ये तुम लोग फिल कर देना। भाई कोई ऊपर आएगा जैसे चौक भिजवा दीजिएगा। ये बॉक्स में नहीं है? नहीं नहीं स्टार्ट है ये। ओके ठीक है, लास्ट टर्न पे हम लोग जो है ये सब कर चुके थे। नहीं मैट तो बीच से दोनों को एक्चुअली होता क्या है ना कि मिक्स करके पढ़ाना है तो कुछ चीज़ें। अब ये तुमने जो 9-10 स्टेप देखे थे ना, अब इसको ज़रा 1 by 1 एक्सप्लेन करो। ठीक है, इन 10 स्टेप्स में ही सारी चीज़ें हो रही हैं, अलग से कुछ नहीं है। पहला स्टेप तुम्हारा क्या है, कलेक्ट स्टेट डेटा तुम कैसे करोगे। ठीक है, डेटा तुमने जो लिया सिस्टम से उसको तुम्हें आइसोलेट कैसे करना है और बाकी तुम्हें ठीक है मिक्स कैसे करना है, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो 1 by 1 देखते हैं इसमें क्या है क्या। द फर्स्ट स्टेप इन इरिगेशन मॉडल इज टू कलेक्ट एंड स्टेट डेटा फॉर द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। इन केस ऑफ मल्टीपल इरिगेशन मॉडल वी विल हैव सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्सो नोन। लिखो कुछ मत, दे देंगे बाद में सारी चीज़ें, आराम से बस समझ लो, पहले फीड कर लो। इट इज नॉट अनकॉमन टू हैव मोर देन 1000 इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर ए प्रॉब्लम इन रियल लाइफ केसेस। मेनी ऑफ दीज वेरिएबल्स आर डिराइव्ड वेरिएबल्स। ठीक है, स्टेप टू, डेटा तो तुम्हारा आ गया मान लो, प्री प्रोसेस द डेटा। प्री प्रोसेस की मीनिंग क्या है बेसिकली? प्री प्रोसेस में सबसे पहला तुम्हारा आता है डेटा क्वालिटी। डेटा क्वालिटी में सबसे पहले इनिशियली तुम जब डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो, अगर मैं तुम्हें फील्ड सर्वे के लिए भेजता हूँ, कहते हैं कि तुम्हारे सत्यकाम भवन में ठीक है यहाँ पे तुम्हें जो है स्टूडेंट का कहते हैं ना वोटर जो है प्रेफरेंसेस को लेकर, वोटिंग प्रेफरेंस को लेकर के डेटा कलेक्ट करो, तुम कैसे कलेक्ट करोगे बताओ? किसी भी एक वेरे मैंने बोल दिया ना कि वोटिंग प्रेफरेंस तुम्हारा कहते हैं किस पार्टी को जा रहा है, उसके लिए तुम एक डेटा कलेक्ट करो, तुम कैसे कलेक्ट करोगे? उसमें दो तरीके प्रोसीजर हैं। देखो देखो, हम और तुम एक नॉर्मल जो है ना मार्केटिंग स्ट्रेटजी से कैसे बाहर आ जाते हैं इसी चीज़ में। जब एक मार्केट का बंदा जाता है, मान लो चेक कराता है कि भाई कि हमारा ये सोप है हमारी कंपनी का डव का मान लो सपोज, और दूसरा सोप क्या आता है लाइफ बॉय का है, तो पहले क्या करता है वो अपनी कंपनी के सोप के बारे में चीज़ों को नहीं बताता, पहले बताएगा कि लाइफ बॉय के बारे में ये चीज़ें हैं, ये अच्छाई हैं और उसके अंदर ये कमियाँ हैं। फिर वो अपनी कंपनी का देता है कि उसमें 5 अच्छाइयाँ थी, इसमें 10 अच्छाइयाँ हैं और कमी एक भी नहीं है। अब आप बताओ किसको वोट करोगे? बात समझ में आया? तो डेटा का तुम्हारा सबसे पहले, तुम ऐसे नहीं पहुंच जाओगे सीधे ये लाइफ बॉय डब है क्या आते, उसको पता ही नहीं है। ठीक है, जिससे आप तुम इंट्रोडक्शन अपना कर रहे हो, जिसे तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जो इंटरव्यू तुम्हें दे रहा है ना, तुम तो इंटरव्यूअर हो, तुम उसको चीज़ें बताओगे पहले। अब तुम्हारा डेटा कैसा है, नॉमिनल स्केल का है, ऑर्डिनल स्केल का है, रेशियो स्केल का है, उसका आइडेंटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए पहला चीज। फिर क्या होगा, मिसिंग डेटा। डेटा तुमने कलेक्ट किया क्या आते हैं, सैंपल साइज लिया, उसमें से कुछ डेटा क्या होंगे तुम्हारे मिसिंग। मिसिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं डेटा हट जाता है, तुम्हें डेटा गायब हो गया, मिसिंग का डेटा हो गया कि भाई तुम्हारा जो प्रेफरेंस था, जो ऑब्जेक्टिव था, उसके अकॉर्डिंग भी डेटा नहीं आया, फॉल्स डेटा आ गया। ठीक है, मैंने बोला कहते हैं कि तुम जो है डेटा कलेक्ट करो जो है डब और कहते हैं लाइफ बॉय का, और उसके जो एज ग्रुप होनी चाहिए वो 20-25 होनी चाहिए, तुमने उस एज ग्रुप को कंसिडर नहीं किया। टोटल 100 पॉपुलेशन में से 20 लोग ऐसे हैं क्या आते हैं कि जिनका जो है डेटा तुमने मोर देन 30 वाले 45 वाले हैं, तो क्या हो गया अब कि तुम्हारे पास 20 डेटा कम हो गया, तो तुम्हें वो भी देखना चेक करना है कि वो किस तरीके से मिसिंग का मतलब हो गया कि नॉट इन्फॉर्मेटिव जो है एक तरीके का, है ना। दूसरा, हैंडलिंग
क्वालिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल को तुम तो डायरेक्टली हैंडल कर लेते हो, कोरिलेशन चेक करना है, रिग्रेशन चेक करना है, बनाना है, ठीक है ना, ग्राफ ड्रॉ करना है। बट क्वालिटेटिव केस में तुम क्या करोगे, तो उसका सेटअप, ठीक है। मैं तुमसे पूछता हूँ भाई, जाओगे कैंप में चेक करके, वो कहते हैं कि कितने बॉयज़ हैं जो वाइट शर्ट पहन के आए होंगे, ठीक है, तो तुम उसको कैसे एनालिसिस करोगे कि किस किस संडे को क्या आते हैं, वाइट शर्ट वालों का जो है क्या आते हैं, यहाँ पे प्रेशन ज़्यादा रहा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको वाइट शर्ट पहनना जो है एक चॉइस की बात होगी, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे भाई संडे का दिन है, सूर्य का भगवान का दिन है, तो आज वाइट कपड़ा पहनना चाहिए। तो अब तुम्हें ये नहीं पता ना कि कौन कौन से प्रेफरेंस लेके चल रहा है, डेटा की मिक्सिंग तो हो रही है, प्रेफरेंस तुम्हें नहीं पता, सेम डेटा है, क्राइटेरिया अलग अलग है ना। कोई इंसान कहते हैं जो है बर्गर किंग से बर्गर खरीद रहा, कहते हैं खुद के खाने के लिए, कोई किसी और के लिए, ठीक है। खुद का तुम कंजम्पशन देखते हो, क्या आते फिर तुम बताओगे भाई ओबेसिटी पैटर्न बढ़ रहा है सोसाइटी में, बट अभी तुम्हें डिपेंड करता है ना कि तुम एक ही फैमिली में कोई चीज़ जा रही है तो कंज्यूम कौन कर रहा है, कंज्यूमर कौन है। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्टर है जो तुम्हें मेजर करने हैं। दूसरा, डेराइव न्यू वेरिएबल्स, तुम नए वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लो, देन आगे, ठीक है। इन मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल मेनी डेराइव वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स वेरिएबल। रिस्पॉन्स वेरिएबल मतलब वाई की वैल्यू तुम्हारी क्या होनी चाहिए इसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम दैट द डिसीजन मेकर इज डेवलपिंग अ क्रेडिट रिस्क मॉडल ऑफ हाउसिंग लोन एप्लीकेंट्स। एज्यूम दैट द डिसीजन मेकर हैज कलेक्टेड फैक्टर्स सच एज लोन अमाउंट से X1, ठीक है, ऑफ द प्रॉपर्टी से X2। Instead of using X1 and X2 as two independent variable in the model, it may be better to use the ratio X2 upon X1. अब मैंने वही बोला ना कि तुम्हारा जो measurement है अब वो क्या हो रहा है, सिर्फ X1 X2 के form में नहीं जा रहा है, उन दोनों का ratio X2 upon X1 के form में जा रहा है, ठीक है। अगर वो constant multiplication में है तो ठीक है, otherwise तुम उसे neglect करोगे। As the independent variable, if the data set has 20 continuous independent variable, then there will be 20C2. 20C2 कैसे निकलता है, लिखो formula. ₹190 आ गया, ठीक है। थर्ड स्टेप तुम्हारा सेम वही डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में न्यू डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में तुम क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में तुम स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, ठीक है। अब देखो स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, 20 टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं तुम्हारे, दो दो के है ना, टोटल कितने बनेंगे भाई, तुमने 20 बच्चे हो, दो दो कॉम्बिनेशन चले गए आते हैं, 20C2 ये वाला है ना, 20C2 क्या होता है इसका फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। अब देखो ये यहीं पे कह रहा है कि इन एडिशन टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक डेटा विजुअलाइजेशन सच एज स्कैटर प्लॉट एंड बॉक्स प्लॉट, इट इज यूजफुल टू चेक करेक्शन, ठीक है ना, बट दिस इज कोरिलेशन, करेक्शन विद कोरिलेशन। कोरिलेशन होगा तुम क्या करोगे, उसको करेक्ट करोगे फॉर द इफेक्ट ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर कोई कोरिलेशन है बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, तब तुम क्या करोगे, उसको करेक्ट करोगे, उसको हटाओगे, क्यों, सिंस इट कैन प्रोवाइड अर्ली वार्निंग फॉर इश्यू सच एज मल्टी कोलिनियरिटी। अगर कोई कोरिलेशन आपस में है तो एक तरीके से अर्ली इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है और वार्निंग के सेंस में है, ठीक है, कि मेरे क्लास में अगर बच्चे ऐसे आ रहे हैं एग्जामिनेशन बैठ रहे हैं जो आपस में फ्रेंड हैं तो वहाँ पर नकल होने के चांसेस हैं, है ना। अगर तुम फ्रेंड नहीं हो तो ठीक है, टीचर के पास दिमाग किसके ऊपर जाता है, कि जो फ्रेंड सर्किल है वो कहाँ बैठे हुए हैं, अगर ये आपस में बैठे हुए हैं तो क्या करता है टीचर प्रैक्टिकल रूम में या लैब में, कि तुम दोनों साथ में नहीं बैठोगे, ठीक है। तो चांसेस रहते हैं, ना करें एक अलग बात है, आइडियल केस है, ठीक है। हो सकता है समटाइम की स्प्यूरियस हो कोरिलेशन,
ठीक है, दोनों आपस में दोस्त तो हैं लेकिन पढ़ाई के लेवल पे कुछ सपोर्ट ना कर रहे हो, तो ऐसी उससे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ सकती है ना कि भाई मैं ही टॉपर बनूंगा तुझे नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तुम दोनों दोस्त साथ में हो लेकिन उसे तुम उससे कुछ ना बताते हो, अकेले अकेले पढ़ रहे हो, पॉसिबिलिटी है। इट विल बी ऑल्सो यूजफुल टू आइडेंटिफाई प्रॉक्सी वेरिएबल्स, तुम लोग करते हो ना सेम चीज़ यही, इन केस एन ओरिजिनल वेरिएबल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सम रीजन। अभी सब कहानी है इसको छोड़ दो बट देख लो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अ व्हीकल इंश्योरेंस कंपनी फाउंड दैट एमंग न्यू कार ड्राइवर्स यंग मेल ड्राइवर्स हैड हायर एवरेज क्लेम कंपेयर टू यंग फीमेल ड्राइवर्स। बहुत सारे लोग नाराज होने वाले हैं इस चीज पे। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज वुड लाइक टू चार्ज हायर प्रीमियम फॉर यंग मेल ड्राइवर्स सिंस द रिस्क ऑफ क्लेम इज हायर फ्रॉम यंग मेल ड्राइवर्स कंपेयर टू यंग फीमेल ड्राइवर्स। ठीक है, हाउएवर इन मेनी कंट्रीज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर मे नॉट बी परमिटेड लीगली, सो वन हैज टू आइडेंटिफाई अ प्रॉक्सी फॉर जेंडर। व्हाइल एनालाइजिंग द डेटा द कंपनी फाउंड दैट देयर वॉज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन कार मॉडल्स ड्राइवन बाई मेल एंड फीमेल ड्राइवर्स। द इंश्योरेंस कंपनी कैन चार्ज डिफरेंट प्रीमियम फॉर डिफरेंट कार मॉडल्स टू डिफरेंशिएट प्रीमियम चार्ज फॉर मेल एंड फीमेल ड्राइवर्स सिंस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कार मॉडल इज नॉट अंडर द प्रिव्यू ऑफ लॉ। इन दिस केस द इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज दस फिक्स्ड बेस्ड ऑन द कार मॉडल्स यूज बाय द ड्राइवर विच वॉज यूज एज प्रॉक्सी वेरिएबल फॉर जेंडर। ठीक है, ये ऐसा होता है, ये तुम भी जान रहे हो हम भी जान रहे हैं, इस पर बहुत डिबेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट कह सकते हो कोई क्वेश्चन करे तो भाई मैं पीछे हट जाऊंगा, बट हाँ बेसिकली जो है ये होता है। स्टेप फोर, मॉडलिंग स्ट्रेटजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा मॉडल बनेगा कैसे, सबसे बेसिक चीज ये है कि किसी भी मॉडल के लिए जब तुम बनाते हो ना, मैं तुम्हें ये सिखाऊं अगर कि भाई तुम एक ही मॉडल क्यों लेके चल रहे हो, वाई स्क्वायर टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन को ही लेके क्यों चल रहे हो। ठीक है, हम कुछ और मॉडल क्यों नहीं देख सकते हैं, हम कुछ और चीजें चेक क्यों नहीं करते हैं, कोरिलेशन का इफेक्ट तुम सिर्फ और जो है वाई और एक्स के बीच में ही क्यों देख रहे हो, वाई की जो एक वैल्यू निकल के आ गई है प्रोडक्शन, जो मान लो है वीट प्रोडक्शन तुम्हारा एक आ गया एक ईयर का, तो वीट प्रोडक्शन पर्टिकुलर ईयर का क्या नेक्स्ट ईयर के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। मैं बहुत एक सिंपल से क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, चलो तुमने आज फर्स्ट ईयर में थर्ड सेमेस्टर में तुमने बहुत पढ़ाई किया, ठीक है, तुम्हारे मार्क्स आ गए 9 CGPA। ठीक है, अब 9 CGPA आ गए, तुम्हारे पास मार्क्स ए अवेलेबल है, तुम देखते हो अपना रिजल्ट 9 CGPA है, यू आर हैप्पी विद दिस। बट नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारे पास फैसिलिटी नहीं है पढ़ने की, है ना, तुम किसी से पढ़ नहीं पा रहे हो, बट जो तुम्हारा 9 CGPA है वाई, वो तुम्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा है ना इनडायरेक्टली, कि मैं वापस से इस 9 CGPA को गेन करूं, सिचुएशन कुछ भी हो, ये डिपेंड नहीं कर रहा सिचुएशन मेरे फिजिबल है कि नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग है कि नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो 9 CGPA है वो तुम्हारे माइंड पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा है और तुम उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर देते हो कि नहीं मुझे इस 9 को मेंटेन रखना है। तो ये वही बात हो गई ना कि वाई इट्सेल्फ खुद नेक्स्ट वाई पर भी इफेक्ट डाल रहा है, तो इसका मेजरमेंट तो तुम करते नहीं हो कभी, ऐसे समझो। दूसरी चीज, एक शॉप चाय की दुकान यहाँ पे बगल में है पटेल चेस्ट पे, उसके यहाँ बिक्री खूब हो रही है, दूसरी शॉप है जिसके यहाँ बिक्री बिल्कुल भी नहीं है, सेल बिल्कुल भी नहीं है, जो उसके यहाँ सेल हो रही है वो एकदम साफ सुथरी दुकान है, बढ़िया सारे चीज़ें रखता है खाने पीने का, सबसे एक वेल बिहेव नेचर यूज़ करता है अपना, उसके यहाँ सेल ज़्यादा है, पड़ोस वाले के यहाँ सेल नहीं है। तो अब क्या करेगा पड़ोस वाला, कि जो वाई है बगल में बैठा हुआ उस वाई से वो क्या हो रहा है, अब इन्फ्लुएंस हो रहा है और सीख रहा है धीमे धीमे कि मुझे उस वाई जैसा बनना है। तो अब कहीं ना कहीं वाई के ऊपर वाई का भी इफेक्ट आता है, और इसको तुम क्या कहते हो, स्पिल ओवर इफेक्ट। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं हो गई क्योंकि इसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं, कोई कंपाउंड निकालते ही नहीं है, सब क्या करते हैं कि एक्स का ऊपर जो है एक्स इंडिपेंडेंट है वाई डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वाई के ऊपर डिपेंडेंसी कैसी यही चेक कर लो आगे बढ़ लो। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया, स्पिल ओवर इफेक्ट का, है ना, कि भाई सराउंडिंग रीजन में अगर तुम्हारे पास सारी वाई वैल्यूज जो है एकदम बिल्कुल हॉट रेटेड है ना,
जिनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, हाईली कोरिलेटेड हैं वाई आपस में, तो कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट भी आएगा। ये तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ सोचने के लिए, कहाँ कहाँ हो सकता है, बाकी डिस्कस करेंगे बाद में। When the number of variables runs into several hundreds, building regression models can get complicated due to multicollinearity. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो जितने मैक्सिमम होंगे आपस में उनके जो है मिक्सअप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे ना, कि वो एसोसिएटेड हैं किसी किस तरीके से। एज वेल एज कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी सिंस एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन पैरामीटर इन्वॉल्व्स मैट्रिक्स इन्वर्जन हेड मैट्रिक्स, अभी देखते हैं क्या होता है वो। द डेटा साइंटिस्ट में डिसाइड टू यूज वेरियस डेटा रिडक्शन टेक्निक टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स सच एज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। द डेटा साइंटिस्ट में ऑल्सो यूज स्पेसिफिक वेरिएबल सिलेक्शन अप्रोच सच एज फॉरवर्ड सिलेक्शन, बैकवर्ड सिलेक्शन और स्टेप वाइज रिग्रेशन। यूज ऑफ मलाव सीपी इज अनदर स्ट्रेटजी दैट द डेटा साइंटिस्ट कैन यूज। अब तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आए हैं, वो तो अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। मैंने एक बेसिक एग्जांपल भी लिया था क्लास स्टार्ट होने से पहले ही जो तुम लोगों के था, कि भाई मेरे क्लास में जो वेरिएबल रिस्पॉन्सिव नहीं है, जिसका इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं आ रहा है, अगर उसको हम हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं मैक्सिमम कोरिलेटेड हूँ इनके साथ, मान लो। तो तुम अगर चले भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर क्लास में है, क्लास अटेंड कर रही हैं, रिस्पॉन्स कर रही हैं, आंसर है सब कुछ। तो मैं अगर सिंगल भी बैठे होंगे पूरी क्लास में पढ़ा सकता हूँ। मीनिंग ये हो गया कि पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारी 100% की आ रही है, इफेक्ट जो आ रहा है, उसके लिए कौन से वेरिएबल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से कंपोनेंट मेन कंपोनेंट हैं जिनके बिहाफ पर तुम 95% एक्यूरेसी अपने डेटा की गेन कर रहे हो, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रैक्टिकल चीज जो तुमको बता दिया, अब टेक्निकली समझो क्या है। कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी वाई की वैल्यू, टोटल पॉपुलेशन का इफेक्ट जो भी है, मान लो वो X1, X2, X10 10 वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। और 100% डेटा में से 99% इंफॉर्मेशन हमारी सीधे 4 से 5 वेरिएबल में ही पूरी हो जा रही है। 1-2% इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है जिसके लिए हम डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, बाकी बचे हुए जो 5 वेरिएबल हैं। तो अब बींग ए स्टैटिस्टिशियन, बींग ए इकोनॉमिस्ट, या कह लो कि टाइम कॉस्ट फैक्टर को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उस 2% की इन्फॉर्मेशन के लिए 5 वेरिएबल और जो हैं इनको हटा सकते हैं, क्योंकि हमारा 98% इन्फॉर्मेशन वो पूरी हो चुकी है कुछ पर्टिकुलर जो है 4 से 5 वेरिएबल में ही। तो वो क्या होगा हमारे लिए ज़्यादा फीजिबल है। अच्छा, इसको तुम और कहाँ पढ़ते हो इस चीज़ को, सेम चीज़ एरिया अंडर द कर्व में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तुमने पढ़ा होगा, सेम इसी से मिलती जुलती चीज़, ठीक है ना, कि म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा, ठीक है, कितना कितना रीजन कवर करता है, ठीक है। तो वहाँ पे तुमने देखा होगा कुछ इस तरीके का, तुम्हारा एक नॉर्मल प्लॉट था, ठीक है, जिसकी वैल्यू तुम्हारी क्या है यहाँ पे म्यू है, ये प्लस सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस 3 सिग्मा, सेम चीज़ तुम्हारा इधर के लिए भी, ठीक है, माइनस सिग्मा माइनस 2 सिग्मा एंड माइनस 3 सिग्मा, सेम चीज़ म्यू प्लस सिग्मा पर दोनों साइड में कुछ इतना एरिया कवर हो रहा है, 2 सिग्मा पर और 3 सिग्मा आते आते मैक्सिमम मेरे तुम्हारा कवर हो जाता है 99.71 के आसपास विद द हेल्प ऑफ चेबीशेव इनइक्वालिटी, तुम इसको प्रूव करते हो, ठीक है। म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी रेंज है जो तुम्हारा डेटा का कर्व का, ठीक है। और इस पूरी रेंज को तुम क्या कहते हो, माइनस 3 सिग्मा से लेकर के प्लस 3 सिग्मा तक टोटल तुम्हारी कितनी है ये डिस्टेंस, 6 सिग्मा, और यही तुम्हारी 6 सिग्मा की लिमिट जो है तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जब तुम क्वालिटी काउंसिल में जाते हो। क्वालिटी कंट्रोल के केस में तुम्हारा पूरा 6 सिग्मा लिमिट फाइंड आउट करते हो तुम उसे, ठीक है, और वहाँ पर डिफाइन करते हो कुछ इस तरीके से, ये CL वैल्यू है, ये LCL वैल्यू है, ये UCL वैल्यूज़ है, ठीक है, कि तुम्हारे सारे के सारे डेटा पॉइंट जितने भी हैं अगर इनके अंदर हैं तो तुम कहते हो कि तुम्हारी क्वालिटी कंट्रोल में है, और अगर इसके बाहर जाते हैं तो तुम्हारा कहते हो कि क्वालिटी तुम्हारी कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, ठीक है।
इसकी जो टोटल लेंथ है वो है तुम्हारी 6 सिग्मा की, मीन से प्लस 3 सिग्मा इधर और मीन से माइनस 3 सिग्मा इधर, इस तरीके से, ठीक है। ये तुम यूज़ करोगे कहीं पे आगे जा करके, ये क्राइटेरिया तुम्हारा बेसिक है। तो वहाँ से तुम्हारा पीसीए का वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई टेक्निकली जितने वेरिएबल तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तुम उन्हीं को लोगे, बाकी सबको नहीं लोगे, ठीक है। एक बहुत बेसिक तरीका बच्चों समझाता हूँ मैं वैसे भी कभी कभी, कि जैसे मान लो तुम चाय पीते हो बना करके, तो मेन कंपोनेंट तुम्हारा क्या है चाय के अंदर, जो चाय पत्ती यूज़ कर रहे हो, उसके बाद तुमने अदरक डाल लिया, इलायची डाल लिया, सौंठ डाल लिया, जो भी, तो बहुत सबका रोल नहीं रह जाता। अदरक और चाय पत्ती है दो में ही काम हो गया, थोड़ा सा मिल्क पाउडर है, ठीक है, और देन तुम प्रोसीड कर गए। बाकी तुम्हारा उसमें तुम थोड़ा तुलसी पत्ती डाल दो, थोड़ा सा कुछ और डाल दो, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है। सेम वे में कि जहाँ पर मैक्सिमम तुम्हारा अप्रोच चार पांच वेरिएबल पे होता है, तो वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता है। पीसी यही कहता है कि भाई अब तुम बता दो मुझे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट कौन कौन से हैं जिसके ऊपर मुझे अपनी डिपेंडेंसी दिखानी है, तो वहाँ से वो चीज़ लेके चलते हैं, ठीक है। बाकी इसमें फॉरवर्ड सिलेक्शन, बैकवर्ड एलिमिनेशन और स्टेप वेरिएशन, ये तुम देखेंगे अभी वन बाई वन कि क्या करते हैं। हालांकि अभी तुम लोग जितना अभी तक पढ़े उससे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड सिलेक्शन क्या है, बैकवर्ड सिलेक्शन क्या है और स्टेप वाइज रेगुलेशन क्या है, ठीक है। थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए, वर्ड्स में नहीं है, कॉन्सेप्ट में आ चुका है तुम्हारे। डिवाइड द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन डेटा, तो ये चीज़ तुम्हें पता है क्या होता है इसमें। 80-20 का रेशियो लेके चलते हैं, 80% डेटा तुम्हारा ट्रेनिंग डेटा होता है और 20% तुम्हारा वैलिडेशन के लिए होता है। 80% डेटा के बेसिस पर तुम क्या करते हो, अपने कोफिशियंट को ए और बी को आइडेंटिफाई कर लेते हो या बीटा को आइडेंटिफाई कर लेते हो, और फिर तुम बचे हुए 20% पर उसको चेक करते हो कि तुमने जो आइडेंटिफाई किया है क्या वो उसी रिस्पेक्ट में वैल्यू तुम्हारी असाइन कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर वहाँ प्रोड्यूस कर रहा होता है दोनों बीच तुम देखते हो कि भाई एरर कंपोनेंट कुछ है कि नहीं है, रेसिडुअल कुछ है कि नहीं है उनके बीच का डिफरेंस, तो रेसिडुअल क्या करता है तुम्हारा चेक करता है कि मिनिमम होना चाहिए, है ना, एग्जैक्ट पैरामीटर के बेसिस पर पॉपुलेशन की जो ट्रू वैल्यू है और एस्टिमेटेड वैल्यू है वो कितना क्लोज है आपस में, ठीक है। इसलिए तुम जब इसमें क्राइटेरिया यूज़ करते हैं हम लोग एस्टिमेटर के केस में, कि जो पॉपुलेशन का मेन पैरामीटर है, जो पॉपुलेशन मीन की अगर हम बात करें, तो पॉपुलेशन मीन जो है वो अनबायस एस्टिमेटर होता है किसका, सैम्पल मीन का, ठीक है। तो अगर किसी केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ, ठीक है ना, क्या टी, मान लो टी को एस्टिमेटर है और इसकी वैल्यू तुम्हारी आ रही थीटा जो कि पॉपुलेशन पैरामीटर है, अगर ये हो रहा है तो तुम क्या कहते हो, टी इज द अनबायस एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा, अदरवाइज दिस इज बायस एस्टिमेटर। और तुम ये जब लिखते हो ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा, तो दिस इज इक्वल टू जीरो नहीं, तुम इसको दिखाते हो ये दिस इज द बायस, कि कितना जो है डिफरेंस ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि जीरो नहीं होता लाइन पे तुम्हारे, वो जीरो नहीं है, वो डिपेंड ये करता है कि वैल्यू जा कहाँ रही है, ठीक है, कितना क्लोज आ रहा है दोनों तरफ, टोटल इफेक्ट उनका न्यूट्रलाइज कर देगा वो डिफरेंट चीज़ है, बट फाइनली कितना डिफरेंस है वो तुम्हारा रेसिडुअल के फॉर्म में चला आता है। तुम सेम वही काम वाई माइनस वाई कैप के केस में करते हो कि वाई की ओरिजिनल वैल्यू ये है और y कैप तुम्हारा एस्टिमेटेड वैल्यू है, दोनों बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ठीक है। द नेसेसिटी इज टू डिवाइड द डेटा इनटू टू और मोर सबसेट टू बिल्ड एंड वैलिडेट द मॉडल फॉर द फाइनल मॉडल सिलेक्शन। द डेटा साइंटिस्ट मे डिसाइड टू यूज क्रॉस वैलिडेशन इन के इन विच सेवरल ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन सेट्स आर क्रिएटेड रैंडमली फॉर द फाइनल, ठीक है, जो भी है। अब स्टेप सिक्स में तुम क्या कर रहे हो, जब तुम्हारे पास डेटा और उसका इफेक्ट तुम चेक कर लेते हो, तो फिर आता है कि भाई अब उसका फंक्शनल फॉर्म होगा क्या, कौन सा तुम मॉडल यूज़ करके चलोगे, ठीक है। तो कभी कभी उसकी डिपेंडेंसी एक्स पे भी डिपेंड करती है और कभी कभी जो वाई का नेचर आ रहा होता है उस पर भी। एक सिंपल प्लॉट तुम ड्रॉ करो तो वहाँ से आइडेंटिफाई कर पाते हो कि भाई प्लॉट का नेचर कैसा है, ठीक है। मोस्टली डेटा साइंटिस्ट यू मे स्टार्ट विद द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बेसिक हम यही लेके चलते हैं। बाद में देखेंगे कि वो कर्वी लीनियर हो रहा है,
उसकी पावर कुछ और चेंज हो रही है अदरवाइज, ठीक है। हाउ एवर द फंक्शन फॉर्म मे बी चेंज इफ देयर इज ए लैक ऑफ फिट, अगर तुम्हारा लैक ऑफ फिट है, तुम्हारा बेस्ट फिट नहीं आ रहा है, मॉडल फिटिंग में प्रॉब्लम है, तो वो रिलेशनशिप तुम्हारा चेंज भी होगा। समटाइम्स वो पॉलिनॉमियल 2 degree, 3 degree, 4 degree, व्हाटएवर, जो भी nth डिग्री। स्टेप 7, मतलब यहाँ से होगा कि तुम एक एक स्टेप करके चल रहे हो, अब तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो कि भाई तुम डेटा को अपने फिट करके क्या रखोगे, उसकी वैल्यू ए और बी की या एक्स बीटा की जो वैल्यू आनी चाहिए, जो कोफिशियंट की। सेकंड तुम्हारा है एस्टीमेट रिग्रेशन पैरामीटर्स। वंस द फंक्शनल फॉर्म इज स्पेसिफाइड द नेक्स्ट स्टेप टू एस्टीमेट द पार्शियल रिग्रेशन कोफिशियंट यूजिंग द मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर OLS, ठीक है। OLS इज यूज टू फिट अ पॉलीगन थ्रू द सेट ऑफ डेटा सच दैट सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इन सैंपल एंड रिग्रेशन इक्वेशन इज मिनिमाइज्ड। इसका मीनिंग क्या है, ये तो तुम्हें पढ़े हो, तुम पता है तुम्हें। इसका मीनिंग ये है कि बेसिक जो है तुम्हारा, जब तुमने कोई मॉडल बनाया, इसके साथ में डेटा पॉइंट्स तुम्हारे पास यहाँ पे हैं, ये आपस में डेटा न्यूट्रल कर देते हैं, सम ऑफ डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना। तुम किसी एक सिंपल वैल्यूज को लेकर के उसका डेविएशन चेक करके जब तुम सम करते हो तो एवरेज जीरो आता है उसका, टोटल सम काउंट, देखा है ना ये तो करके। अब तुम्हें क्या करना है, ये इनके बीच की जो वैल्यू है, तुम्हारा एस्टिमेटर ऐसा होना चाहिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ये क्लोज हो जाए, मिनिमम, जितना मिनिमम हो सके। तो अब डायरेक्ट सम करोगे तो जीरो आ रहा है, तो तुम क्या करते हो उसका स्क्वायर, उसको तुमने अब क्या किया, पॉजिटिव बना लिया, और उस पॉजिटिव पार्ट को तुम क्या करते हो, मिनिमाइज करते हो। डायरेक्ट जो है तुम्हारा उस पॉजिटिव पार्ट को तुम क्या करते हो, मिनिमाइज करते हो। मतलब तुम ये करते थे पहले ना कि भाई समेशन तुमने मान लो एक्स लिया, एक्स माइनस म्यू, ठीक है, तुमने एक वैल्यू उठाई और उससे सबको एक्स को जो है चेक कर लिया, डिफरेंस देखा, इसका तुम सम करोगे तो क्या आता है, ये जीरो आता है ये, ठीक है। ये तो प्रूफ कर सकते हो ना, जीरो, सम ऑफ एक्स माइनस म्यू इक्वल टू जीरो, प्रूफ होगा ये, ठीक है, ये जीरो हो जाता है। तब तुम क्या करते हो कि भाई एक काम करो, ये जीरो हो रहा है तो अब इसको एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर लो, इसका सम करो, तो अब ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। बट तुम्हें करना क्या है, उसको मिनिमम करना है, मतलब जो ये डिस्टेंस है तुम्हें ये मिनिमाइज करना है एस्टिमेटर की हेल्प से। तो जो एस्टिमेटर तुम्हारा आ रहा है वो कौन एस्टिमेटर है, उसकी वैल्यू क्या है, बीटा की स्मॉल बी, जिसको तुम कहते हो OLS एस्टिमेटर, उसकी जो वैल्यू होती है स्मॉल बी की, जो एस्टिमेट आता है तुम्हारा बी इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, ठीक है। इन द सैंपल एंड रिग्रेशन इक्वेशन मिनिमाइज्ड, OLS प्रोवाइड द बेस्ट लीनियर एंड बायस एस्टिमेट ब्लू, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा माइनस बीटा कैप इक्वल टू जीरो, वेयर बीटा इज द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड बीटा कैप इज द एस्टिमेटेड पैरामीटर वैल्यू फ्रॉम द सैंपल, ठीक है। स्टेप 8, परफॉर्म रिग्रेशन मॉडल डायग्नोस्टिक्स। अपार्ट फ्रॉम चेकिंग द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेडिक्टर वेरिएबल, वैलिडेटिंग द मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल ऑल्सो इन्वॉल्व्स चेकिंग फॉर इश्यू सच एज मल्टीकोलिनिटी, ये तो चेक कर लोगे तुम, देन हेटरोसिडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन इन द केस ऑफ टाइम सीरीज डेटा, आउटलायर एनालिसिस एसेट्रा, दिस इज ओवर एंड अबव चेकिंग फॉर द नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिडुअल्स। इसका मतलब क्या हुआ, हेट्रो और होमो दो चीज मैंने यूज किया था लास्ट टर्म पे, क्या होता है होमो, मतलब सेम, क्या सेम, क्या सेम तो है बट क्या सेम, सेम तो है बट क्या सेम, ये तो बताओ क्या सेम होना चाहिए, अच्छा खुद से सोच के बताओ सेम क्या होना चाहिए, खुद से थोड़ा सा स्टार्ट को सोचना। अगर मैं तुम्हें क्लास में कहूं कि तुम्हारी क्लास जो है होमोजीनियस टाइप की है, इसका मीनिंग क्या हुआ, हाँ कुछ इस तरीके से ना, या तुम सारे के सारे जो है थर्ड सेमेस्टर BMS के स्टूडेंट हो, ठीक है। अगर इसमें कोई और आके बैठ जाए साथ में
मान लो हम मिक्स क्लास पढ़ा रहे हो स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें बीएमएस वाले भी बैठे हों, एमबीए वाले बैठे हों, है ना, ठीक है, बीबीए एफआईए वाले बैठे हों, तो क्लास तुम्हारी कैसे हो गई, वो हेट्रोजीनियस। अब उसमें क्लास में से हमको चूज़ करना, पिक करना कि भाई कौन सा स्टूडेंट किस क्लास का है, वो प्रॉब्लम होगा। मीनिंग क्या हो गया, जो डेटा की वेरिएबिलिटी है, जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, है ना, वो कैसा होना चाहिए, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस टाइप का होगा, तो उसके बेसिस पर तुम कह पाओगे होमोसेडास्टिसिटी या हेट्रोसेडास्टिक वेरिएबल्स। बट ये भी डिपेंड करता है तुम्हारा एरर कंपोनेंट के ऊपर ही, एरर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। चलो ठीक है, अब देखो एफ टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट। लास्ट हम लोग क्या पढ़ा था, सिंपल लेने वाले में टी टेस्ट पढ़ा था ना, कि भाई दो जो पॉपुलेशन का मीन आपस में चेक कर लो, उस पर टेस्ट लगा लो कि दोनों का जो कहते हैं एच नॉट इक्वल टू मी वन इक्वल टू म्यू टू उन्हें सेम है कि नहीं है। एफ टेस्ट यूज फॉर चेकिंग द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल्स, वेयर एज टी टेस्ट आर यूज टू चेक द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स, बोथ आर डिफरेंट, ये ध्यान रखो हमेशा। एफ टेस्ट यूज फॉर चेकिंग द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल्स, वेयर एज टी टेस्ट आर यूज टू चेक द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स। किसी मॉडल से जो तुम्हारी वैल्यू आ रही है ना, किस सेंस में, कि कौन सा मॉडल मिनिमम वेरिएंस दे रहा है एक तरीके से, ठीक है, तो वेरिएंस की टेस्टिंग में जब हम चले जाते हैं तो वहाँ पे एफ टेस्ट यूज़ करते हैं हम, है ना। और सिंपल जब मीन की टेस्टिंग में रहते हैं कि दो सेट तुम्हारे पास है वेरिएबल का, उन दोनों के आपस में कैसे रिलेशनशिप है, उनका मीन कितना इक्वली कैसे है, वहाँ पर हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। दो पॉपुलेशन तुम्हारे पास है, उन दोनों पॉपुलेशन की मान लो वैल्यूज़ हैं म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री, दूसरे की कहते हैं म्यू फोर म्यू फाइव म्यू सिक्स, दोनों आपस में रिलेटेड हैं, सिग्निफिकेंट हैं कि नहीं, उसके लिए टी टेस्ट। बट पूरे के पूरे ओवरऑल मॉडल में वेरिएबिलिटी कितनी है उनकी आपस में एक्चुअल मीन और एक्चुअल वेरियंस के साथ में, तब वहाँ पर तुम्हारा एफ टेस्ट का मॉडल यूज़ होता है। एक जो प्रैक्टिकल उस पर निकलवाएंगे तुम लोग को ना एक्सेल पे, तो उसमें पूरा एक्सेल पे क्लिक करने पर पूरा आ जाता है एफ टेस्ट की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में वो सारा चीज़। प्रेजेंस ऑफ मल्टीक्यूनिटी कैन बी चेक्ड थ्रू मेजर सच एज वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर वीआईएफ। मल्टीक्यूनिटी होगा कि नहीं होगा तुम्हारे मॉडल में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है आपका, ठीक है, कि भाई आप जो है मल्टीक्यूनिटी चेक करने के लिए कौन सा मेजरमेंट यूज़ करते हो, तो मैं दे सकता हूँ कि भाई ऑप्शन में कि वीआईएफ है कि नहीं है, ठीक है, ये कौन सा है, कई सारे दे देंगे उसमें बेस्ट पॉसिबल कौन सा है, इस तरीके से। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, पूछ सकता हूँ कि भाई मॉडल के सिग्निफिक ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होगा, एफ टेस्ट की टी टेस्ट, ठीक है ना, वेरिएबल के सिग्निफिकेंस के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होगा, टी टेस्ट। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, तुम्हें उस तरीके से भी चीज़ों को समझ के चलना है। रिमेडियल मेजर आर नेसेसरी इफ एनी ऑफ रिग्रेशन मॉडल एजम्पशन आर वायलेटेड, ठीक है। एजम्पशन तुम्हारे क्या हैं बेसिक मॉडल्स के, स्टार्टिंग बताया था ना, ठीक है। स्टेप 9, वैलिडेट द मॉडल यूजिंग वैलिडेशन डेटा। ट्रेनी डेटा से तुम्हारा पैरामीटर की वैल्यू आ गई, अब अपने मॉडल को तुम वैलिडेट करोगे 20% तुम्हारे पास जो डेटा बचा हुआ है उसके बेसिस पर, कि भाई ये फिट करके सही रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। फाइनल मॉडल सिलेक्शन विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल इन वैलिडेशन डेटा, द मेजर दैट कैन बी यूज्ड फॉर वैलिडेटिंग द मॉडल इन द वैलिडेशन डेटा आर एस फॉलोज। क्या है वो, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, वेयर के इज द नंबर ऑफ केसेस इन द वैलिडेशन डेटा, रूट मीन स्क्वायर, आर एम एस सी, दिस वन। तुम्हें बस ये चेक करना है कि बेसिकली है क्या, बाकी फार्मूला यही है, फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। 1/k समेशन वाई आई माइनस वाई आई कैप अपॉन वाई आई इंटू 100, ये तुम्हारा है मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, ठीक है। और आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर छोड़ा है हमने इसे, क्योंकि आर स्क्वायर हम बता चुके हैं लास्ट टर्न पे, कैपिटल आर स्क्वायर, क्या होता है ये, एक चीज हमें और बताई थी कि स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू भी जो होती है वो इक्वल, हाँ लिंक कब, हमेशा नहीं होता ऐसा,
ये भी लिखवाया था मैंने रिमार्क के फॉर्म में, ठीक है, रूट में स्क्वायर की वैल्यू ये है तुम्हारी। मॉडल दैट गिव्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन बोथ ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन डेटा सेट विल बी चूजन फॉर डिप्लॉयमेंट, है ना, जिसमें ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों में मॉडल सेम परफॉर्मेंस देगा, है ना, उनको क्या करेंगे अब हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई अब आप जो है इसको, ठीक है, वो वैसे ही है कि जैसे तुम ड्राइविंग सीखते हो तो सिमुलेटर पे भी तुम कर रहे हो, बाद में फिर जब मार्केट में आए तो मेन ड्राइविंग कर दोनों में, अगर तुम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेम कर रहे हो तो हाँ तुम अब गाड़ी अपनी सोसाइटी में लेके चल सकते हो, अदरवाइज नॉट, ठीक है ना, क्योंकि सिमुलेटर पे तो चीज़ें अलग तरीके से होती है ना, इमेजिनरी सेटअप होता है, लेकिन जब तुम उससे प्रैक्टिकली लेके आते हो रोड पे तो वहाँ पे भी तुमसे चेक करवाता है ना वो ट्रेनर तुम्हारा कि तुमने सिमुलेटर पे किया है, अब तुम रोड पे भी चेक करो, अगर तुम वहाँ पे भी चेक कर ले आते हो और तुम्हारा वेरिएशन नहीं है, हो सकता है कि तुम सिमुलेटर पे 70-80% बढ़िया कर रहे हो लेकिन रोड पे आने पे क्या है प्रैक्टिकली चीज़ें चेंज हो गई, है ना, तब क्या होगा तुम गड़बड़ हो गए, लेकिन अगर तुम दोनों में बैलेंसिंग कर ले आते हो अब कहेगा भाई अब तुम जो है एक परफेक्ट ड्राइवर हो गए, अब तुम लेके जा सकते हो। तो एज ए सिमुलेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है कि इमेजिनरी डेटा सेट पर अपने मॉडल की टेस्टिंग, बेसिक सिमुलेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना आजकल पूरा चल रहा है, एआई जो काम कर रहा है पूरा, वो कैसा है इमेजिनरी सेटअप पे, वो कहता है तुम्हारा 50 साल बाद फेस ऐसा होगा, लेकिन वो किस पे बता रहा है, जो आज हम इनटेक ले रहे हैं उसकी बेसिस पर कि अगर ऐसा ही सेटअप रहा, ऐसा इन्वायरमेंट रहा तो ऐसा होगा ना, मान लो कोविड आ गया तो निपट गए हम तो ऐसे ही पहले ही, ठीक है, कुछ फैक्टर्स क्रिएट हो गए, है ना, कोविड वजह से कहते हेल्थ इशूज हो गई तो हम जल्दी एजिंग इफेक्ट आ गया हमारे ऊपर, ठीक है, इतना पराली जल रही है हवा कहते हैं पंजाब में, पता लगा उसकी इफेक्ट आ रहा कहते हैं हम इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा एजिंग इफेक्ट आ गया, ठीक है, ग्रे हेयर एंड बाकी चीज़ें क्या है इफेक्ट है, ये सब कुछ और थोड़ी है, सब सिर्फ पोल्यूशन है। तो अब उस पर दिखाएगा यही क्या दिखाएगा तुम्हें ऐसा होगा, ठीक। डिप्लॉय द मॉडल, द फाइनल स्टेप मॉडल इज टू जनरेट एक्शनेबल आइटम्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन प्लान, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर एप्स कैन बी डेवलप्ड बेस्ड ऑन द रिग्रेशन मॉडल सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज इन इट इफिशियंट मैनर। Automation of actionable item is one of the important tasks in analytics model deployment. Multiple regression model development is an iterative process. अभी जरा से इसको बताते हैं iteration होता क्या है, ठीक है। The modeler may have to go through many iteration of model development before choosing the correct model. Also, every analytics model has a life and its performance may deteriorate due to changes in the market environment. Same चीज़ वही बोल रहे हैं कि भाई market का जो environment होगा उसके according तुम्हारा model का सिस्टम चेंज भी होगा। सो डेटा साइंटिस्ट हैव टू मॉनिटर द मॉडल परफॉर्मेंस एंड मे ऑल्सो हैव टू चार्ज चेंज द मॉडल इन केस ऑफ मॉडल परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट्स, ठीक है। देखो ये तो कहानी बड़ी लंबी लंबी कर दिया, इसको सीधे सब तुम समझो। मैंने यहाँ से मान लो कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है, वो आज के सिनेरियो में बना हुआ था और 2G 3G डेटा सेट तुम्हारा पूरा वो कंपाइल करके लेके आगे चल रहा है, ठीक है। मैंने उसमें दो चीज़ बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखना। एक मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने सैटेलाइट जब लॉन्च किया तो मैं ये मान के चल रहा हूँ जो मैंने एस्टिमेट की है कैलकुलेशन से कि उसकी लाइफ कितनी है 10 ईयर एक्चुअल, प्लस माइनस 2 कर दिया हमने मीन के साथ में, एग्जैक्ट उसकी लाइफ कितनी है मीन म्यू विद वेरिएशन प्लस माइनस 2, क्योंकि उसे 2 साल पहले ही ख़राब हो जाए वो या 2 साल बाद ख़राब हो, ठीक है, बहुत एकदम क्लियर है। अब मैं बैठा हूँ एज ए मैनेजर कंपनी का और भाई सीधा सा बात होता है, हमको अपना कॉस्ट रिडक्शन देना है, रिड्यूस करना है। मैं गवर्नमेंट को सजेशन देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं सर बढ़िया बनाया है अभी 2 साल और चलेगा, मतलब 10 साल पूरे होने को हैं लेकिन तब तक मैंने उसका रिप्लेसमेंट नहीं दिया और मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल अभी और चलेगा छोड़ दो, लेकिन पता लगा कि चलो भाई जैसे 10 साल पूरा हुआ ख़राब नहीं हुआ चल रहा, हम बड़े खुश, देखो सर हमने बोला था ना कि 2 साल अभी चलेगा 10 साल के बाद भी चल रहा है, लेकिन उसने कि 11 महीने आते आते 6 महीने बाद वो कोलैप्स कर जाए तो तुम्हारा पूरा सेटअप गायब, तुम अंधेरे में, ठीक है, पूरा GPS तुम्हारा ख़त्म। तो अब ये तुम्हारा क्या था, ये था ओवर एस्टिमेट, ओवर कॉन्फिडेंस मॉडल पे,
दूसरा, हमने सैटेलाइट भेजा और हम अभी 5 साल ही पूरा नहीं हुआ और हम परेशान होने लगे कि सर अब एक एक साल कम हो रहे हैं, ठीक, नेगेटिव अप्रोच है ना। और हमने क्या किया, जो प्लस माइनस, सर देखो आप प्लस माइनस टू में होता है क्या पता 8वें साल में ही कोलैप्स कर जाइए, क्योंकि वेरिएशन में प्लस माइनस टू पर रखा हुआ है कि 10 से 2 साल पहले ख़राब हो सकता है, तो अब हम उसको लेके भी स्ट्रेस में हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको 7वें साल ही कहते हैं, एक नया जो है सैटेलाइट हमने उसको भेज दिया, जो कि जैसे 8 साल पूरा होने वाला होगा वैसे ही उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, उस मॉडल के लिए अंडर एस्टिमेट। और इसके लिए जो बेसिकली फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग, सुने रहो बाकी तो यूज़ नहीं है, लाइनक्स लॉस फंक्शन होता है, ठीक है, लाइनक्स लॉस फंक्शन सुने रहो बस, बाकी काम का तो उतना नहीं है तुम्हारे अभी। तो मीनिंग क्या है, अब तुम्हें अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट दोनों के बीच में एक बैलेंस करना है चीज़ों को, ठीक है ना। वो बैलेंसिंग तुम कैसे करोगे, जब तक कि तुम्हें पूरा का पूरा एनवायरनमेंट का सेटअप नहीं पता होगा, ठीक है। तुम यहाँ पे एसी लेके आते हो, तुम विजयनगर में बगल रह रहे हो जहाँ पे नाले की गैस आ रही है, एसी तुम्हारा 6 महीने में ही ख़त्म, गैस लीक कर जाती है उसकी, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। वही एसी हम अपने गांव में लगा कर रखे हुए हैं, 8 साल हो गया उसमें कोई गैस की कोई दिक्कत ही नहीं, चल रहा है बढ़िया, ठीक है। मैं अपने पर्सनल बता रहा हूँ ये, कि मैं एसी लेके आया 2 महीने बाद क्या, 1 महीना भी नहीं हुआ ख़राब हो गया, पता चला क्या हुआ सर, बताया जो आप नाले के बगल रहते हैं यहाँ पे विजयनगर में और लीक कर गई गैस, पूरा तो तुम्हारा नाला ही चल रहा है ना अगल से बगल, यहाँ पे पोल्यूशन तुम्हें दिखता नहीं है, वो लग रहा बड़ी साफ सड़क पर सुधर, लेकिन इन्वायरमेंट जो तुम्हारा AQI है वो देखो जरा ना वो क्या है, ठीक है। अब तुम्हारा आता है दूसरा पार्ट जो कि वेरिएबल के फॉर्म में है, X1 X2 के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। पार्शियल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन मॉडल बिल्डिंग, सेमी पार्शियल या पार्शियल बोथ आर, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी पार्शियल कोरिलेशन और पार्ट कोरिलेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन MLR मॉडल बिल्डिंग, द इंक्रीज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R² व्हेन अ न्यू वेरिएबल इज एडेड इज गिवन बाय द स्क्वायर ऑफ द सेमी पार्शियल कोरिलेशन ऑफ द न्यूली वेरिएबल एडेड वेरिएबल विद डिपेंडेंट वेरिएबल Y। बहुत टेक्निकली बोलने में ऐसे है, सीधा सीधा समझो कि X1, X2, X3, X4 चार वेरिएबल थे इंडिपेंडेंट जिनकी बेसिस पर तुम Y को मेजर कर रहे थे, ठीक है। बट उसमें से क्या था कि X1 और X2 तो रिस्पॉन्सिव थे काफ़ी ज़्यादा, X3, X4 का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। तो तुमने क्या किया, चेक किया उन्होंने कोरिलेशन Y के साथ में X1 का, X2 का, X3 का, X4 का। X4, X3 का जो है कोरिलेशन बहुत मिनिमम था, 0.00 समथिंग कह लो। तुमने क्या किया, उन दोनों को हटा दिया। अब तुमने क्या किया, मार्केट से एक नया वेरिएबल सेलेक्ट किया जिसका इफेक्ट Y के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। तो तुमने क्या किया, उसको ऐड कर लिया। अब सिंपल शब्दों में समझो, अपने क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे क्लास में मान लो कि 2 बच्चे ऐसे हैं, तुम और तुम जो है मोस्टली रिस्पॉन्सिव हो, बाकी 3 न्यूट्रल हैं। अचानक से कोई बच्चा ऐसे क्लास में आता है जो और रिस्पॉन्सिव हो जाता है, जो पूरी क्लास को एकदम ग्रैब कर रहा है, तो क्या हो गया, बढ़ गई ना कैपेसिटी क्लास की, जो कहते हैं जो क्वालिटी थी बढ़ गई अपने आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसको ऐड कर लिया। तो न्यू वेरिएबल हमने ऐड कर लिया, वो ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका इफेक्ट Y के ऊपर ज़्यादा है, सिंपल। वही कह रहा है कि द इंक्रीजिंग द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R² व्हेन अ न्यू वेरिएबल इज एडेड इज गिवन बाय द स्क्वायर ऑफ द सेमी पार्शियल कोरिलेशन ऑफ द न्यूली वेरिएबल एडेड, ठीक है। अब R² होता क्या है जरा तुम बताओ, बहुत डिटेल बताया था मैंने R² के बारे में, पूरी कहानी एक क्लास चली थी। R² में लिखवाया भी था मैंने, नोट में भी लिखवाया था, व्हाट इज R², इफेक्ट क्या होता है R² का, वेरिएशन इन विद रिस्पेक्ट टू एस, और क्या करता है, रिमार्क में लिखवाया होगा, एक मैंने एक रिमार्क लिखवाया होगा, डाल के देखो चेक करो,
देखो बहुत सिंपल साहब, चलो ठीक है जो लिखा है एक, अब बिल्कुल एज ए लेमैन के बेसिस पे भी समझ लो, एज ए स्टैटिस्टिशियन और बिजनेस एनालिटिक्स बेसिस पर, आर स्क्वायर का मीनिंग ये हो गया कि कितने बेहतर तरीके से, कितने गुड मैनर में जो तुम्हारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो वाई को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तुम नीचे जाते हो, तुमसे कोई टीचर मिलता है, तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, अगर तुम बढ़िया से आंसर देते हो तो ये जस्टिफाइड हो जाएगा कि मैंने क्लास में अच्छे से पढ़ाया होगा। तो मीनिंग ये होगी कि आर स्क्वायर क्या देता है कि कितने बढ़िया तरीके से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाई को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। बट मैंने एक चीज और बोली थी कि आर स्क्वायर की वैल्यू जो है क्लोज टू वन होती है, एग्जैक्ट लेकिन वन नहीं होनी चाहिए। आर स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। बट यहां पे ये चीज हम हटा देते हैं कि आर स्क्वायर 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, या इक्वल टू 1 हो सकता है, कोई वो नहीं है। बट कंडीशन उसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है? आर स्क्वायर 1 होने का मतलब हो गया कि आइडियल केस, और तुम पेपर देके एग्जाम देके बाहर निकलते हो और सभी सभी बच्चों ने 100 100 क्वेश्चन पूरे किए हुए, मतलब कि नकल हुई है, मतलब कि टोटली बायस्ड है। तो आर स्क्वायर 0.9 तक तो बेहतर है, 0.98 तक भी बेहतर है, लेकिन एग्जैक्ट 1 आ जाए, मुझे लगता है कि स्टैटिस्टिशियन कहते होंगे भाई एकदम एग्जैक्ट मॉडल फिटिंग है एज ए मॉडल के बेसिस पर, ठीक है, बट कुछ तो एरर कंपोनेंट होगा ना प्रैक्टिकली। आइडियली तो ठीक है ये चीज़ कि आर स्क्वायर वैल्यू हो सकती है 1, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा होगा कि ऐसा तुमने एकदम एग्जैक्ट वेरिएबल ले लिया कि बिल्कुल 0% एरर, फिर तो पूरा केस ही सेट हो गया। हो जाए तो बहुत अच्छा है, हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आइडियली होता नहीं है, ठीक है। और आज पर वो सेम चीज कह रहा है, कहते हैं कि भाई जो तुम्हारा स्मॉल आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर भी क्या है, ये स्मॉल आर का स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर ही है। मीनिंग क्या हो गया कि तुम्हारा जो पार्शियल कोरिलेशन था, अब यह है ये कि तो उसमें आपस में रिलेशनशिप भी बढ़िया है, कि आपस में वो जब कोरिलेटेड होंगे तो भी तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब हम और आप अगर आपस में कोरिलेटेड हैं बेहतर तरीके से तो ही आप हमको समझ पा रहे हो, हमको समझ पा रहे हो, हम तुमको समझ पा रहे हैं। तब क्या होगा, तुम नीचे आओगे क्लास में, बोलोगे सर ने ये क्वेश्चन पढ़ाया था, इसका आंसर ये होगा, तो मतलब वी आर हाईली कोरिलेटेड देन कैपिटल आर स्क्वायर या एक्सप्लेन्ड बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैक्सिमम, ठीक है। कंसिडर रिग्रेशन मॉडल विद टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल से x1 एंड x2। द मॉडल कैन बी रिटेन एज फॉलोज, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस एप्सिलॉन। अब ये मॉडल कैसा है, कैसा है ये मॉडल, लीनियर मॉडल है कि नहीं है? ये क्यों होना चाहिए लीनियर मॉडल इसको? क्योंकि लीनियर इन पैरामीटर है, ये बीटा वन की पावर वन है, बीटा टू की पावर भी वन है। एक्स वन एक्स टू कैसा है इस पर डिपेंड नहीं करती लीनियरिटी, किस पे डिपेंड करती है? वो पैरामीटर की वैल्यू उस पर, ठीक है। सिंपल तुमने मॉडल लिया, दो वेरिएबल तुम्हारे इंडिपेंडेंट है, एक्स वन एक्स टू, वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस एप्सिलॉन। हियर द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट, सिंस टू इंटरप्रेट बीटा वन और बीटा टू वी हैव टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ एक्स टू और एक्स वन, दैट इज बीटा वन इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई वेन एक्स वन इज चेंज बाई वन यूनिट एंड एक्स टू इज केप्ट कॉन्स्टेंट। सेम ही पार्सल में वही हो गया, सेम चीज जो मैंने बताई कि एक का इफेक्ट देखोगे वाई के ऊपर। मैंने क्वेश्चन पूछा, तुम बोलूंगा सिर्फ तुम बोलो, बाकी क्लास शांत, तो बाकी क्लास को मैंने क्या किया, कॉन्स्टेंट कर दिया, इफेक्ट इसका देखा सिर्फ एक का। फिर मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा, बाकी क्लास शांत, तो इनका इफेक्ट क्या है? इस तरीके से सबको एक को वेरी कराओ और बाकी को कॉन्स्टेंट करो, दिस इज द पार्शियल। एज्यूम दैट वाई इज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ए प्रोडक्ट एट ए रिटेल स्टोर, एक्स वन इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड एक्स टू इज द अमाउंट ऑफ स्नोफॉल इन द नेबरहुड वेयर द स्टोर इज लोकेटेड। अभी बहुत
बढ़िया सा क्वेश्चन नैनीताल का एक तरीके से है, ठीक है। इन दिस केस व्हेन एक्स वन चेंजेस बाय वन यूनिट, बीटा वन इज द चेंज इन द रेवेन्यू प्रोवाइडेड, द वैल्यू ऑफ स्नोफॉल इज केप्ट कॉन्स्टेंट। अगर स्नोफॉल हो रहा होगा तो शॉप तो बंद करनी पड़ जाएगी, बट हमने क्या किया उसको कॉन्स्टेंट रखा। अब हम देख रहे हैं सेल कितनी है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। और फॉर अ फिज स्नोफॉल वैल्यू, या एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें पता है कि भाई दिसंबर में इतनी स्नोफॉल एक नॉर्मल होती है, तो हाँ काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो दिक्कत है। मतलब हम जो भी काम करेंगे एक नॉर्मल सिचुएशन को लेकर चलते हैं, है ना, ठीक है। कॉजेज दो तरीके के होते हैं, चांस कॉजेज एंड असाइनेबल कॉजेज। चांस कॉजेज कैसे हैं, इनहेरिटेंस इन नेचर है, वो होने ही है, उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। बट असाइनेबल कॉजेज क्या है, रिमूवेबल है, तुम रिमूव कर सकते हो उसे, वो कंट्रोल्ड है, वो मैन मेड है ना, जो कि होता है कि अनस्किल्ड पर्सन की वजह से आ गए हो या बहुत सारे। बट चांस कॉजेज क्या है, अभी कल को यहाँ बरसात स्टार्ट हो जाए, तुम पेंटिंग बनाओ बाहर के आते हैं और बरसात हो गई, क्या कर सकते हो, ठीक है। बट तुम पेंटिंग यहाँ रूम के अंदर बनाओगे तो अब यहाँ कुछ गड़बड़ होता है, मतलब तुम किसी पैर टच कर दिया, कोई लाके पानी फेंक दिया अलग से, तभी खराब होगा ना, तो वो तो मैन मेड हो गई। बट अगर बाहर ग्राउंड में है तो वहाँ पे तो फिर कंट्रोल करते हो तुम उसे, बट होता नहीं है वो। इंडोर स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम की बात हो जाती है। अल्टरनेटिवली बीटा वन इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स वन इज चेंज बाय वन यूनिट, व्हेन द वैल्यू ऑफ स्नोफॉल एक्स टू इज कंट्रोल्ड, विच इज प्रोबेबली डिफिकल्ट अनलेस द स्टोर इज ओन्ड बाय गॉड, ठीक है। इनहेरिटेंस नेचर है, तो अगर भगवान की दुकान है वो तो अलग बात है, बाकी इम्पॉसिबल है। When we develop the regression model, we try to capture the unique contribution of a variable in explaining the variation in the response variable. For better understanding of the model building, we have to understand the partial and semi-partial correlation. Partial and semi-partial. अब दो concept तुम्हारे ये हैं, देखते हैं होता क्या है। तुम्हें setup बैठा क्या चल रहा है? MLR model, multiple linear regression model. Consider an MLR model between response variable y and two independent variable x1 and x2. है ना, यही वाले जो तुम्हारे पास है पहले के, ये वाले मॉडल तुम्हारे एज इट इज तुम्हें याद होने चाहिए, सिंपल। पार्शियल कोरिलेशन इज अ कोरिलेशन बिटवीन द रिस्पांस वेरिएबल वाई एंड द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स वन व्हेन इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स टू इज रिमूव फ्रॉम बोथ वाई एंड एक्स वन, इन अदर वर्ड्स व्हेन एक्स टू इज केप्ट कॉन्स्टेंट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पार्शियल केस में। सेकेंड, अल्टरनेटिवली पार्शियल कोरिलेशन इज अ कोरिलेशन बिटवीन रेसिडुअलाइज्ड रिस्पांस वेरिएबल एंड रेसिडुअलाइज्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। रेसिडुअल के फॉर्म में रेसिडुअलाइज्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और रिस्पांस वेरिएबल। रेसिडुअल मतलब क्या हुआ, क्योंकि तुम्हारा जो रिस्पांस वेरिएबल है जो ओरिजिनली बेस्ट फिट पे होना था इस लाइन पे, उससे कितना वेरी कर रहा है, मतलब y की वैल्यू y कैप से कितना डिफरेंस पे है। पहला तो ये हो गया कि एक y दूसरे y के साथ में नहीं, ट्रेनी और वैलिडेशन वाले में कितना डिफरेंस है। दूसरा, जो रिस्पांस वेरिएबल तुम्हारा है, ये तो हो गया y, अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, तो होंगे, जिसके साथ में इफेक्ट ज़्यादा होगा y के साथ में तुम उसको इंटर करोगे, और जिसका इफेक्ट कम होगा तुम उसको बाहर भेजोगे। अब तो आपस जो नए वेरिएबल हैं या कुछ एडेड वेरिएबल हैं उनका रेसिडुअल क्या है, ठीक है, मतलब जो जितना क्लोज है उसको तुम मिनिमम करोगे, ठीक है। रेसिडुअल मतलब सीधे डिफरेंस ये है कि रेसिडुअल का मतलब हो गया कि तुम्हारे ओरिजिनल वैल्यू से जो इतना डिफर कर रहा है, ठीक है, एरर कंपोनेंट या सिंपल वाई की वैल्यूज, वो तुम्हारा हो गया रेसिडुअल नेचर। लेट आर वाई एक्स वन एक्स टू डिनोट द पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स वन व्हेन एक्स टू इज केप्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है। आर वाई एक्स वन, यहाँ पे डॉट लगा के एक्स टू हो गया, एक्स टू को तुमने क्या किया, कॉन्स्टेंट कर दिया। रिलेशनशिप बिटवीन आर वाई और
x1 के बीच में, जब x1 कांस्टेंट करते क्या करते r by x2 dot x1, ठीक है, जिसके बीच में तुम रिलेशनशिप लोगे, मान लो एक से ज़्यादा है तो y के साथ में x1 kept x2 कांस्टेंट, अगर ज़्यादा है तो kept x2 x3 x4 ये सभी कांस्टेंट, ठीक है, सिर्फ तुम इसके साथ में, बाकी में क्या करोगे, मान लो अलग वैल्यूज हैं तो y x2 और kept x1 कांस्टेंट, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज r y x1 x2 इज गिवन बाय r y x1 डॉट x2, ठीक है, इनका सिंपल r y x1 माइनस r y x2 इंटू r x1 x2। अब r x1 x2 मतलब कि x1 और x2 के बीच में अगर कोई कोरिलेशन है तो तुम्हें उसको भी रिड्यूस करना है, मतलब वो कहाँ से क्या करेगा, वो जो इफेक्ट तुम्हारा है मल्टीकोलिनियरिटी का उसको हटा देगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस वन वेयर आर वाई एक्स वन इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट, पियर्सन कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स वन, आर वाई एक्स टू द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन वाई एंड एक्स टू, एंड आर एक्स वन एक्स टू इज द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू। और पियर्सन कोफिशिएंट क्या होता है तुम्हारा कोरिलेशन का फॉर्मूला, सिंपल आर का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों अंडर रूट होगा, अंडर रूट क्यों होगा, वो तो ठीक है तुम्हारा अंदर, तुम रो एक्स वाई और तुम कह रही हो उसकी बात कर रही हो ना, हम सिंपल आर पूछ रहे हैं कि अगर दो वेरिएबल तुम्हारे पास एक्स वन एक्स टू हैं तो उनका आर एक्स वन एक्स टू वैल्यू क्या होगी, बहुत सिंपल सा है ये तो याद रहना चाहिए ना, आर एक्स वन एक्स टू कहता हुआ तुम्हारा कि को वेरियंस ऑफ एक्स वन एक्स टू डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स वन सिग्मा एक्स टू, है ना, कोवेरियंस उनका डिवाइड बाय उनके वेरियंस का रूट या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएबल। देखो द वेन डायग्राम इन फिगर कैन बी यूज्ड एज एन एनालॉजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल कोरिलेशन, द वेरिएशन इन वेरिएबल वाई कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर कंपोनेंट्स ए बी सी एंड डी, रिमूविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स टू फ्रॉम बोथ एक्स वन एंड वाई इज इक्वल टू रिमूविंग सेगमेंट बी सी एंड ई फ्रॉम द वेन डायग्राम, वंस वी रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वन, ये चेक कर लो यहाँ से बस, ठीक है, पूरे के पूरे एक्स वन को जिसका होल सेटअप है सब जगह से तुमने बाहर कर लिया कंप्लीट, किसी को भी नहीं छोड़ा है, मतलब वो ना तो वाई के ऊपर उसका इफेक्ट होना चाहिए और ना ही इसके ऊपर, ठीक है, सिर्फ तुम्हें क्या चेक करना है वाई और इसकी वैल्यूज में कंप्लीट एसोसिएशन, बाकी पूरे भी तुमने क्या किया है कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, उसके अंदर कितने भी फिट तुम्हारे रहे हों उससे कोई मतलब नहीं था, वो यही कह रहा है कि रिमूविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स टू फ्रॉम बोथ एक्स वन एंड वाई इज इक्वल टू रिमूविंग सेगमेंट बी सी एंड ई फ्रॉम द वेन डायग्राम, वंस वी रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स टू फ्रॉम बोथ एक्स वन एंड वाई द सेगमेंट दैट इज कॉमन बिटवीन वाई एंड एक्स वन इज सेगमेंट ए आउट ऑफ ए प्लस डी दैट इज रेशियो ऑफ ए अपॉन ए प्लस डी इज द एनालॉगस टू पार्शियल कोरिलेशन, सेमी पार्सल और पार्ट कोरिलेशन। अच्छा अब यहाँ से जरा देख के बताओ फिर तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं, पहले थोड़ा सा खुद के दिमाग पे जोर डाल लो, थोड़ा सा प्रेस करो, ए बी सी डी ई एफ जी है ना, मतलब एक्स वन में देखो ये भी तुम्हारा ना, एक्स वन में तुम्हारा ई एफ सी और ए ये है, एक्स टू में भी तुम्हारा क्या है ई सी बी और जी है, डी में तुम्हारा क्या है ए सी बी है, ठीक है ना, तो अब तुम्हारे पास क्या है अगर तुम पार्सल सेमी पार्सल में अगर तुम देखो कंसेप्ट को तो क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि इन सेमी पार्सियल और पार्ट कोरिलेशन बिटवीन रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वन मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स वन व्हेन द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स टू इज रिमूव्ड फ्रॉम ओनली एक्स वन बट नॉट फ्रॉम वाई, एक्स वन से इसका इफेक्ट जा रहा है, ठीक है ना, वाई से नहीं, वाई में भी है ये
बट तुम्हें क्या करना है, जो X1 के पार्ट का था तुम्हें सिर्फ उसको हटाना है, Y के पार्ट का नहीं। ठीक है, इस कंपोनेंट में जहाँ तक X1 का पार्ट है A और C के लिए मान लो, ठीक है ना, उसको हटाएगा, बाकी के लिए नहीं। हाँ ठीक है ना, उसके केस में क्या होगा, C रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है, सेम पैटर्न पे। हाँ बस बस, इट इज इक्वल टू रिमूविंग पोर्शन सी एंड ई फ्रॉम X1 इन द वेन डायग्राम। ठीक है, सी एंड ई, X1 से हट जाएगा बट वो X2 में अवेलेबल है, ठीक है ना, इधर तुम्हारा A और C हट गया और वहाँ से C और E हट गया। ठीक है, द रेशियो A अपॉन A प्लस B प्लस C प्लस D इज एनालॉगस द सेमी पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन Y एंड X1। मैथमेटिकली सेमी पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन Y एंड X1 एस आर वाई X1 X2 when influence of X2 is removed from X1 is given by this one। ये formula के basis पे ही है, कुछ और नहीं, बहुत ज़्यादा tough नहीं है, कुछ भी simple formula याद रखो बस। सेमी पार्शियल कोरिलेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिग्रेशन मॉडल बिल्डिंग द इंक्रीज इन आर स्क्वायर कोफिशिएंट डिटरमिनेशन व्हेन ए न्यू वेरिएबल इज एडेड इनटू द मॉडल इज गिवन बाय द स्क्वायर ऑफ द सेमी पार्शियल कोरिलेशन। सेम वही है, आर स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल ये वाला है। द क्यूमुलेटिव टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स CTRP ऑफ ए टेलीविजन प्रोग्राम मनी स्पेंट ऑन प्रमोशन डिनोटेड एज P, ठीक है, एंड द एडवर्टीजमेंट रेवन्यू इन इंडियन रुपीज डिनोटेड एज R जनरेटेड ओवर 1 month पीरियड्स फॉर 38 डिफरेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स इज प्रोवाइडेड इन टेबल 10.1। डेवलप अ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्टीजमेंट रेवन्यू R जनरेटेड एज रिस्पॉन्स वेरिएबल एंड प्रमोशन P एंड CTRP एज प्रिडिक्टर। ठीक है, मतलब P और R तुम्हारे इंडिपेंडेंट तरीके से हैं जिसका इफेक्ट CTRP पे होगा। एक तरीके से Y हो गया, P और R तुम्हारा क्या हो गया, X1 X2 हो गया, और ये पूरे 38 तुम्हारे प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट किए गए हैं। ये समझ में आ गया ना कि ये तुम्हारा पूरा Y की वैल्यूज हो गई, ये तुम्हारी X1 की वैल्यूज हो गई, ये तुम्हारी X2 की वैल्यूज हो गई। ठीक है, कहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 38 तक का पूरा। ठीक है, अब तुमने क्या किया, उसी बेसिस पर अपना मॉडल बना लिया, सिंपल MLR मॉडल में तुमने क्या किया, एडवर्टीजमेंट से जो रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, अब कैसे चेक होगा। पहला काम तुम्हें क्या करना था, जो तुमने Y लिया है, अब वो Y एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज करेगा। इफेक्ट पहले में क्या हो रहा है कि X1 के ऊपर X2 X3 का इफेक्ट नहीं, X1 X2 X3 जो आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे से, बट वो जॉइंटली इफेक्ट किसी और को कर रहे हैं। ऐसे मैं तुमसे ऐसे कहूँ, सिंपल सी बात बोलूँ कि मैं यहाँ से निकला बाहर के आते हैं, ठीक है, और ऑटो लिया, पता चला क्या था, CNG का रेट बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब CNG का रेट ही अकेले नहीं है किराए का फैक्टर, अगर आज जो है त्यौहार का दिन है तो जाम लगा होगा सड़कों पर, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के रूट्स भी होंगे तुम्हारे पास। तो अभी तक हमने क्या बोला कि डायरेक्ट CNG का इफेक्ट है रेट के ऊपर, तो नहीं, CNG के साथ साथ रूट और ये जो फैक्टर्स हैं वो भी तुम्हारे ऐड हो रहे हैं, ऐड ऑन हो रहे हैं, किसका इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो तुम्हारे पास अब जो आते हैं इफेक्ट देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब तुम देखो इनको वापस से पढ़ो कि CTRP ऑफ ए टेलीविजन प्रोग्राम मीनिंग क्या है, मनी स्पेंड ऑन प्रमोशन डिनोटेड एज P एंड द एडवर्टीजमेंट रेवन्यू इज R जनरेटेड ओवर 1 month पीरियड ऑफ 38 डिफरेंट प्रोग्राम्स। इसका इफेक्ट अब तुम डेटा को देखो, CTRP, P&R, अब बताओ क्या होगा। वो रिजल्टेंट वेरिएबल है, अब क्या हो गया तुम्हारा, CTRP और पी है प्राइस जो क्या आते हैं, वो तुम्हारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिस्पॉन्स तुम्हारा रेवेन्यू के फॉर्म में आ रहा है, ना कि इसके फॉर्म में, CTRP के फॉर्म में। तो तुम्हें ये आइडेंटिफाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट है करना कि कौन रिस्पॉन्स वेरिएबल है
और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ये, ठीक है। रिजल्ट उसमें भी आता है, लेकिन उसमें रिजल्ट कब आएगा, जब तुम मॉडल वाई ऑन एक्स कर रहे हो कि एक्स ऑन वाई कर रहे हो, ठीक है ना। वाई ऑन एक्स का प्रोसीजर अलग हो जाएगा, सिंपल रिग्रेशन लाइन में तुम क्या करते थे एक्स ऑन वाई के लिए, जब तुम सिंपल मॉडल लिखते थे ना, ये वाला y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये क्या है, y ऑन x है ना, और x ऑन y में क्या हो जाता है, वो जस्ट अपोजिट, और उसका लाइन तुम्हारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वहां पे तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि x ऑन y और y ऑन x बोथ आर सेम अगर उनका क्रॉस सेक्शन पॉइंट x बार y बार से दोनों लाइन पास हो रही हो, तो अगर बोथ द लाइन इंटरसेक्ट एट द मीन वैल्यू, तब तुम कहते हो क्या आते हैं कि x on y, y on x जो क्या आते हैं सेम इंटरसेक्ट से पास हो रही हैं और लगभग सेम है, ठीक है, तभी कह पाते हो ना, ऐसा थोड़ी कह पाते हो। ओके, तुम्हारा मॉडल बना ये बीटा इज इक्वल टू बीटा वन इंटू सी टी आर पी प्लस बीटा टू इंटू पी, द रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग ओएलएस एस्टिमेशन, ठीक है। अब बाकी तो वो प्रोसीड कर जाएगा वहाँ से, और इसका जो कोफिशियंट आता है वो सिंपल से कुछ और नहीं है, तुम इसको छोड़ देना, सिर्फ निकालना इससे ये वैल्यूज बी कैप, वही बीटा का एस्टिमेट है तुम्हारा, मतलब बीटा वन बीटा टू उसी कंपोनेंट में होंगे, और इसका आंसर होता है एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, ठीक है। मतलब एक्स तुम्हारी कौन सी वैल्यूज हैं, ये वाली, ठीक है, एक्स की वैल्यू ये और एक एक्स वैल्यू ये, पूरा पूरा कंप्लीट, मतलब दोनों एक्स वन एक्स टू मिलकर क्या कर रही हैं, एक्स का पूरा कंपोनेंट बना रही है, मतलब तुम्हारा जो मॉडल सेटअप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, दिस इज वाई वैल्यूज है ना, जिसमें तुम्हारा 38 क्रॉस 1, अगर 38 वैल्यूज कितनी, 38 कितनी है, 38 है ना, 38, और दूसरा तुम्हारा क्या बन गया, एक्स जो है और प्लस एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन तुमने क्या कर लेके चलते हो, नॉर्मल मीन जीरो मीन सिग्मा स्क्वायर, तो उसका इफेक्ट अभी छोड़ देते हो क्योंकि तुम वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेके ही चल रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ क्या है, प्रॉपर एक्स वन एक्स टू और एक्स एन की वैल्यूज, तो तुम्हारे पास दो है यहाँ पे, क्या है, सी टी आर पी एंड पी, तो एक्स वन एक्स टू तुम्हारे पास हैं दो, ठीक है। बट तीन का क्यों बनेगा, क्योंकि जो तुम्हारा पहला कंपोनेंट है बीटा वन का, वो क्या है, हम उसको इंटरसेप्ट टर्म को वन वन लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तुम्हारा क्या हो गया, अब वन विद सी टी आर पी की वैल्यूज और देन पी की वैल्यूज, ठीक है, मैट्रिक्स बन जाएगी फिर, तुम उसको इन्वर्स निकाल के पूरी पूरी मैट्रिक्स बनेगी ना वो, तो इसलिए तो एक्सेल पे होगा वो, एक्सेल या स्पेसेस पे, ये हाथ से होने वाली चीज़ नहीं है तुम्हारे, मैनुअली नहीं हो पाएगा वो, सॉफ्टवेयर से ही होगा। अभी तुम लोग एक चीज़ बताते हैं, अभी रुक जाओ, एग्ज़ाम में तो सिंपल कैलकुलेट करवाएंगे ये सब, ये सिंपल इसकी वैल्यू छोटे छोटे उसमें होंगे, तो दो तीन का, 10-12 तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2-3 का है ना, कि 3x3 की मैट्रिक्स है ना। अच्छा, अब जरा इसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, क्या अभी टाइम है ना, ठीक है। यहाँ तक तो आज थोड़ा सा फीड हुआ होगा ना, कुछ यहाँ से इनहेल हो रहा है ना, यहाँ से ना सही, यहाँ से होना इम्पोर्टेंट है, देखो इम्पोर्टेंट है तुम जो पढ़ रहे हो उसको मार्केट में यूज़ कर सको, इम्पोर्टेंट ये नहीं कि तुम पढ़ते कितना हो, इम्पोर्टेंट है कि तुम पचा कितना ले जाते हो और उसको तुम प्रोड्यूस कितना कर पाते हो। चलो, स्टैट थोड़ा सा इजी नहीं है, थोड़ा इसको यूज़ करना पड़ता है, चलो इसको देखते हैं, बीच में थोड़ा सा हंसी वे इसलिए कर ले, थोड़ा सा थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, वापस से दिमाग तैयार हो जाए कुछ फीड करने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला नहीं, देखो तुम्हें क्या है ना, एक दिन नॉर्मल क्लास रखना तो बता देंगे,
कुछ नहीं है ऐसे एक्स्ट्रा क्लास में पूछना, उसमें बहुत बेसिक्स तो तुम्हें एक्चुअली क्या है ना, बेसिक वेरिएबल ही नहीं पता है आइडेंटिफिकेशन उनका कैसे होता है। अब इससे ये तरीका नहीं है, वो तुम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। चलो, इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस हाउ अ मल्टीप्लिकेशन मॉडल इज डेवलप्ड एंड द मैथमेटिक्स बिहाइंड पार्शियल रिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि तुम फाइनली अप्रोच कैसे लोगे मॉडल बिल्डिंग का। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द फॉलोइंग सिंपल इंटीग्रेशन मॉडल बिटवीन रेवेन्यू जनरेटेड एंड सीटीआरपी। पहला हमने कहा ना भाई सिंपल, तुम अब मल्टीपल में मत जाओ। तुम्हारे पास x1 x2 xn थे तो y का सिंपल x1 के साथ क्या है बिहेवियर, ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए तुम्हारा क्या है इंटरसेप्ट टर्म, बी तुम्हारा क्या है कोफिशियंट एसोसिएटेड विद एक्स। तो एक्स मतलब क्या हो गया x1 मान लो सीटीआरपी के साथ में, है ना, एक सिंपल, और एप्सिलॉन तुम्हारा हो गया एरर। तो आर इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन सी टी आर पी प्लस एप्सिलॉन वन। तुम इसको लिख सकते हो इस तरीके से भी, थोड़ा टफ हो गया देखने में, लेकिन तुम इसको लिख सकते हो कि वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है एरर या रेसिडुअल के फॉर्म में। नोट दैट एप्सिलॉन वन इज द वेरिएशन इन आर रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू द एडवर्टीजमेंट नॉट एक्सप्लेन्ड बाय सीटीआरपी। जो अनएक्सप्लेन्ड पार्ट होता है, जो एक्सप्लेन्ड नहीं होता, उसमें आर स्क्वायर मैंने ये भी लिखवाया है, उसमें देखना उठा करके कि आर स्क्वायर में जो अनएक्सप्लेन्ड पार्ट है उसको छोड़ देते हैं हम, कि उतने वेरिएबल्स जो है क्या आते हैं वो वाई को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आर स्क्वायर में वही कंपोनेंट आएंगे जो वाई को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए इनको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल और उसको अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल या नॉट एक्सप्लेन्ड आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल वहां से तुम्हारा एक सिंपल एलएसआर मॉडल के लिए, सिंपल इंटीग्रेशन मॉडल के लिए आर स्क्वायर जैसे वैल्यू वहां पे किया था ना उनके लिए, तो वहां से कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हारी आ गई जो इस केस के लिए स्टैंडर्ड एरर आ गया, और सीटीआरपी के लिए आ गई वैल्यू, और बीटा की वैल्यू तुम्हारी सिर्फ एक आई 0.564। ठीक है, आर स्क्वायर तुम्हारा 0.318, बहुत कम है एक्चुअली। आर स्क्वायर हो गया तुम्हारा 0.318 के बल हो गया कि बहुत लेस रिस्पॉन्सिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसका नहीं है। ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ पे और कम हो गया मॉडल समरी में, बट मॉडल समरी तुम इसमें देखो 10.8 में आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है 0.754। ठीक है, थर्ड मॉडल में क्या कह रहा है, बिटवीन एप्सिलॉन वन एंड एप्सिलॉन टू वेरिएशन, जो इसमें वेरिएशन मॉडल स्पेसिस के लिए है अवेलेबल, वो स्पेसिस पे कभी करा देते हैं दिन, हम सोच रहे हैं बुला करके ही। तो पास स्पेसिस है क्रैक उसका नहीं है ना, यहाँ पे अवेलेबल नहीं ना स्पेसिस, आर तो मान लो फ्री है, आर स्क्वायर आर सॉफ्टवेयर एक दिन क्लास लेंगे आर की, आर की बेसिक क्लास एक लेंगे इनकी। ठीक है, बस सिंपल ऐसे तो आपके पास वेरिएबल होंगे मॉडल के अलग अलग, उस पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, बट एक का जो मैंने कैलकुलेट कराया था ना सिंपल में पहले वाले में, एक की वैल्यू कैलकुलेट करवाई है मैंने, उसको वापस से रिवाइज कर लेना जरा वाई के फॉर्म के लिए, स्टार्टिंग में एकदम पहले दूसरी क्लास में हुआ था जहाँ पर डेटा लेकर के और वैल्यू को एसोसिएट किया था। ठीक है, दैट इज एवरी न्यू वेरिएबल एडेड टू द मॉडल इज पार्शियल आउट फ्रॉम अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेस्ड विद द पार्शियल आउट डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चलो इसी को उठाकर एक दिन जो है स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट हो गया। इसका मीनिंग ये है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट पर हो सकता है कि भले आर स्क्वायर की वैल्यू कम या ज़्यादा हो, बट टोटल इफेक्ट किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वाई के साथ किस तरीके का है इसका मेजरमेंट होना ज़रूरी है। और अगर नहीं भी है तो तुमको क्या करोगे, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आओगे, देन चेक करोगे। मतलब कि स्मूथ कंडीशन में, मतलब तुमसे ये कहूँ कहते हैं कि मिल्क इनटेक जो है तुम्हारा कैसे फ़ायदेमंद है तुम्हारे बॉडी के लिए, तो अब जिसको मिल्क फ़ायदा ही नहीं करता है तुम उस बॉडी को थोड़ी लोगे। कुछ लोग
कहते हैं अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं, है ना, लैक्टोजन वाली प्रॉब्लम होती है उनका, ठीक है, तो नहीं उनके लिए नहीं, जिनके लिए रिस्पॉन्सिव है, कुछ लोगों को वीट एलर्जी होती है तो उनको नहीं लेना है तुम्हें, जिनके लिए वो रिस्पॉन्सिव है। तो कौन से कंपोनेंट हो सकता है कि वो फ़ायदेमंद होते हों, बट जो कोफिशियंट हैं, है ना, जिस पैरामीटर तुम एस्टिमेट कर रहे हो, जिसके लिए, जिस कंपोनेंट, जिस वेरिएबल के लिए तुम काम कर रहे हो, होता है कि वो वेरिएबल एसोसिएटेड ना हो। इफेक्ट तो आपस में दूसरे से हो उनका, वाई और एक्स वन का, लेकिन जिस पे अप्लाई हो रहा हो वो ना काम कर रहा हो, ठीक है। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि एक प्लेयर क्या तुम्हारा जो है, मान लो टेनिस का प्लेयर क्या आते हैं, एक कोई क्ले कोर्ट में खेलता है और एक तुम्हारा कोई ग्रास लैंड में खेलता है ना, ग्रास कोर्ट तुम्हारा होता है, तो कोई एक परफॉर्मेंस होता है कि उसमें अच्छा खेल रहा हो, दूसरे में नहीं खेल रहा हो, बट इस पर नहीं डिपेंड कर रहा है, कहते हैं कि वो परफॉर्मेंस उसकी नहीं थी, डिपेंड कर रहा था किस सर्कमस्टेंसेस में है वो, ठीक है। कोई स्पिनर ऐसा है, कहते हैं क्रिकेट के मैदान में, जो इंडिया में अच्छी स्पिन करता है, क्योंकि यहाँ के पिच ऐसे ही हैं, जाके ऑस्ट्रेलिया चला गया तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिव नहीं हो गया, क्योंकि वहाँ के पिच का नेचर डिफरेंट है, तो तुम्हें इसका मेजरमेंट भी करना है। ये सारे फैक्टर इन्फ्लुएंसिव हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसका मतलब जो वेदर का इफेक्ट है, लैंड का इफेक्ट है, तो वो सारे इफेक्ट तो मेजर नहीं करते हो, तो वो कैसे हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन में है, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को तुम जितना ही अपने लिए एक्सप्लेन्ड बनाओगे, मॉडल बिल्डिंग तुम्हारी, मॉडल फिटिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, ठीक है। सिंस द रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन नॉट बी कंपेयर डायरेक्टली ड्यू टू डिफरेंस इन स्केल एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स, सेम चीज़ भाई, किस स्केल और कहाँ पे काम कर रहे हो। वन हैज़ टू नॉर्मलाइज द डेटा टू कंपेयर द रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द रिस्पॉन्स वेरिएबल। अब तुम उनको एक होमोजीनियस स्टैंडर्ड सिचुएशन में ले आते हो, देन इसके बाद फिर उसका इफेक्ट तुम चेक करोगे। अ रिग्रेशन मॉडल कैन बी बिल्ट ऑन स्टैंडर्डाइज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टैंडर्डाइज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द रिजल्टिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट आर देन नोन एज स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन कोफिशिएंट। द स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। इसको याद रखो, इसको लिख लो, स्टैंडर्डाइज बीटा इज इक्वल टू बीटा कैप इनटू एस एक्स आई अपॉन एस वाई। एक दिन की क्लास ऐसा करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो है प्रैक्टिकल क्लास करेंगे, डेटा को लेकर के उस पर एक एक वैल्यू को कैलकुलेट करना, छोटी छोटी वैल्यूज पे, नो थियरी, ठीक है, तब हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं रहेगी प्रोजेक्टर की, ठीक है। वेयर एक्स एक्स आई इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स आई एंड एस वाई इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई। रिग्रेशन मॉडल विद क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, अब इसको भी देख ही लो। इन मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल मेनी प्रेडिक्टर वेरिएबल आर लाइकली टू बी क्वालिटेटिव और कैटेगरिकल वेरिएबल, सिंस द स्केल इज नॉट अ रेशियो और इंटरवल। फॉर कैटेगरिकल वेरिएबल वी कैन नॉट इंक्लूड देम डायरेक्टली इन द मॉडल, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि फाइनली तुम्हारा वेरिएबल किस तरीके का है तुम्हें ये पता नहीं है, तुम्हें उसका नेचर चेक करना होगा, ठीक है। सिंस इट्स इंक्लूजन डायरेक्टली विल रिजल्ट इन मॉडल स्पेसिफिकेशन, वी हैव टू प्री प्रोसेस। प्री प्रोसेसिंग में बताया था ना, मिसिंग डेटा, क्वालिटेटिव बिहेवियर, ठीक है, इस टाइप का। वी हैव टू प्री प्रोसेस द कैटेगरिकल वेरिएबल यूजिंग डमी वेरिएबल फॉर बिल्डिंग अ रिग्रेशन मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर रिग्रेशन मॉडल बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड इंडिपेंडेंट। लो भाई, ये भी कर लो, अब एक अलग चीज़ हो गया, ये तो सीधे सीधे तुम्हारे मेंटल स्टेटस पे बात कर रहा है, अब देखते हैं क्या होगा, कुछ अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है। द फंक्शनल फॉर्म इज वाई इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एम एस प्लस एप्साइलन। देखो लड़कियां सब तैयार हो गई देखने के लिए क्या होने वाला है आगे इसमें, कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं के ऊपर आता है ना, ठीक है। बताओ भाई क्या है, क्या है ये बताओ, पूछ रहा है कि एम एस क्या है, ये होता क्या है, एम एस ये पूछ रहा है, बताओ। ठीक है, देखते हैं,
इन द डेटा वेरियस मेटल स्टेटस आर प्रोबेबली कैप्चर्ड यूजिंग अ कोड सच एज 1 2, ठीक है. एज्यूम दैट द फॉलोइंग कोड्स आर यूज इन द डेटा टू डिस्क्राइब वेरियस कैटेगरीज ऑफ मेटल स्टेटस. एम एस इक्वल टू 1 इम्प्लाइज स्टेटस सिंगल, ठीक है. एम एस इक्वल टू 2 इम्प्लाइज स्टेटस मैरिड, एंड थर्ड में डाइवोर्स भी है, ठीक है. देन क्या हो गया? अरे बोलो, ठीक है, क्या हो गया? अब ये अलग बात है कौन सा कंट्रोल वेरिएबल किसको चूज कर रहा है, ठीक है. हो सकता है कि इफेक्टिव नेचर वहीं पे आता हो, ठीक है. देन y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन फॉर एम एस इक्वल टू 1, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस 2 बीटा वन फॉर एम एस इक्वल टू 2, एंड y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस 3 बीटा वन फॉर एम एस इक्वल टू 3, ठीक है. Assuming beta naught is equal to 0, the value of y for divorce is 3 times the value of y for single. In other words, when beta naught is equal to 0, अब तुम्हें यहाँ पे इनका basically जो conditional value थी, conditional expectation कि ऐसा होगा तब क्या होगा, उसको check करना था. तो expectation of y given x equal to 3 and expectation of y given x equal to 1. This is 3 beta 1 and this is 1 beta 1. This is 3 times, ठीक है, value of beta 1, ठीक है. That is the value of dependent variable y for marital status divorce is 3 times better or worse when b1 is negative than the value of dependent variable for marital status single, ठीक है. तो देखो, मॉडल कुछ भी कह सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो explained है उसी पे तुम्हारा वाला केस अनएक्सप्लेन्ड पार्ट में है, ठीक है. वी विल रीच सच इनकरेक्ट कंक्लूजन विच इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द मॉडर्न इक्वेशन दिस वन इनकरेक्ट नोन एट मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन. कभी कभी क्या होता है कि मॉडल स्पेसिफाई नहीं कर पाता, इसके भी चांसेस हैं. किसी ऐसे सोसाइटी में हम रह रहे हैं जहाँ पर ये सारे फैक्टर मैटर करते हैं, बट हर सोसाइटी में फैक्टर मैटर करेगा जरूरी नहीं है, ठीक है. जैसे कहीं कहीं तुम्हारे जो है दिल्ली के आसपास के सिचुएशन तुम्हारी कुछ और है मेट्रो सिटीज़ की, है ना. लेकिन जैसे तुम रूरल एरिया में जाते हो, गांव में चले जाओ, ट्राइब्स में चले जाओ, तो वहाँ सिचुएशन बदलती जाती है, उनके जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग चीज़ चलती हैं. तो हर सोसाइटी का अपना अलग नेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, ठीक है. Whenever we have a categorical variable in the data, we have to convert them into dummy variable before including them in a regression model. The correct model specification is beta naught plus beta 1 s plus beta 2 m plus epsilon, where s and m are dummy variables created for marital status category single and married, ठीक है, respectively. Depending on the marital status of a specific observation, then y is equal to beta naught when मैरिटल स्टेटस इज डाइवोर्स्ड. अब चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है. बीटा नॉट प्लस बीटा वन व्हेन मैरिटल स्टेटस सिंगल, एंड बीटा नॉट प्लस बीटा टू व्हेन द मैरिटल स्टेटस इज मैरिड. व्हेन एवर वी हैव एन लेबल्स और कैटेगरीज फॉर ए क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कैटेगरी वेरिएबल, वी विल यूज एन माइनस वन डमी वेरिएबल्स, वेयर ईच डमी वेरिएबल इज ए बाइनरी वेरिएबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग whether an observation belongs to a category or not. That is, we have to pre-process the data to represent the categorical variable using dummy variable. ठीक है, इसको छोड़ दो, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है. डमी का मतलब ये हो गया कि जो हिडन है एक तरीके से, है ना. The reason why we create only n minus 1 dummy variable is that inclusion of dummy variable for all categories and the constant in regression equation will create perfect multicollinearity and in the matrix equation 2 will become singular. Meaning ये कि जितने भी तुम्हारे hidden data set थे, ठीक है ना, तुम्हें क्या करना है, उसको effective बनाना है, है ना. मतलब जिस part पर तुम काम नहीं कर रहे थे, अब तुम्हें उस part को responsive बनाना है, ठीक है. और वो कैसे आएगा, इसका मीनिंग क्या हो गया, सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा हाँ कहने से. इसका मीनिंग ये हो गया
कि एक्स वन और एक्स टू के बीच में क्या डिफरेंस है। एक्स टू रिस्पॉन्सिव नहीं है वाई के लिए, ठीक है ना, बट एक्स टू रिस्पॉन्सिव है एक्स वन के लिए। सोसाइटी में नंबर ऑफ वुमेन्स जो है, जो मान लो मैरिड हैं, है ना, और वो जॉब सीकर भी हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम जो अनमैरिड हैं या जो डाइवोर्सडी हैं या जो इनके अकॉर्डिंग हैं उनको हम छोड़ दें, है ना, हमें उनको भी लेके चलना है। टोटल पॉपुलेशन में उनका भी रोल तो है, हमारे नेचर में नहीं है जो वाई रिस्पॉन्स है, बट पॉपुलेशन में तो है ना, और उसका इफेक्ट तो आ ही रहा है। हो सकता है कि भाई एक सिंगल जो वुमेन है, एक जो मैरिड पर्सन है, दोनों आपस में हो एसोसिएटेड, मे बी पॉसिबल, ऐसा इफेक्ट तो आता है सोसाइटी का ना, ठीक है। तो हम इस पर फोकस न करके हमारा इफेक्ट क्या है कि डमी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको देखना, कहते हैं कि ये एक्सक्लूडिंग है या इंक्लूडिंग है, तुम उन्हें एक्सक्लूड कर रहे हो या इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के फॉर्म में है कि एक्सप्लेन्ड बाई समथिंग एल्स, कुछ और। जर्नलिस्ट बहुत टफ हो जाएगा। इंटरेक्शन वेरिएबल इन रिग्रेशन मॉडल। अब आ जाओ वैलिडेशन पे, ठीक है, सिंपल कि हाउ टू वैलिडेट द मॉडल। जब तुम इसकी बात करते हो तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, ये लिखा है अल्फा, ये सब ब्ला ब्ला, उसको समझो। मैंने कहा कि भाई मेरा ये मॉडल फाइनली डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि मॉडल विद 100% एक्यूरेसी नहीं। हम कभी भी जब टेस्टिंग प्रोसीजर लेके चलते हैं तो वहां पर 100% एक्यूरेसी की बात नहीं करते हैं। हम उसमें 5% एरर या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको तुम कहते हो लेके चलते हैं। मतलब कि अगर 100 टाइम्स को एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो 5 टाइम्स हो सकता है एक जो एजम्पशन लेके चलते हैं, बाकी हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं कि 5 टाइम्स चांसेस हैं कि वो रिस्पॉन्स ना करे, बट 95% चांसेस हैं कि वो रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा, और वही मेरा कॉन्फिडेंस है। उसी को तुम कहते हो कि कॉन्फिडेंस रीजन है या कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट हुआ था कि व्हाट इज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस तुम ये मान के चलते हो कि एच नॉट है हमारी ये मीन वैल्यू जो है ना इक्वल टू 5 है। सपोज एच वन क्या है कि मीन वैल्यू इक्वल टू 5 नहीं है, विद अल्फा की वैल्यू 5%, मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब ये हो गया कि 5% एरर को तुम एज्यूम करके चल रहे हो, इतना हो सकता है मैक्स टू मैक्स, उसके बाद नहीं, उसके बाद होगा तो तुम क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे मॉडल को। बट तुम्हारा दूसरा काम क्या होता है कि तुम अब उसकी पी वैल्यू निकालो, प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालो उस पर्टिकुलर मॉडल से रिलेटेड। पी वैल्यू क्या होती है, पी वैल्यू हमेशा लेस देन अल्फा। अल्फा की वैल्यू आई तुम्हारी 0.05% है ना, पी वैल्यू तुम्हारी आनी चाहिए लेस देन 0.05, मतलब क्लोज टू जो है 0, ठीक है। जितनी पी वैल्यू कम होगी तुम्हारा कॉन्फिडेंस रीजन उतना बढ़ता चला गया। मतलब इसको तुम अगर एज ए ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू समझो तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ इस तरीके से। इस लाइन पर, ठीक है, सिंगल लाइन तुम्हारी ये है, 95% तुम्हारा जो रीजन है ये है, ठीक है, कॉन्फिडेंस का, ठीक है। 5% तुम एरर लेके चलते हो जिसको तुम कहते हो अल्फा, और ये क्या है तुम्हारा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। 5% तुम्हारा एरर है, 95% कॉन्फिडेंस है। अगर तुम्हारी पी वैल्यू कम होगी तो पी वैल्यू मतलब क्या हुई, इधर शिफ्ट हुई और कम हुई, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस रीजन अब यहाँ तक बढ़ के आ गया। पी वैल्यू 0 की तरफ और शिफ्ट हुई, रीजन तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ बढ़ गया। तो पी वैल्यू क्या होती है, पी वैल्यू इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द अल्फा। अल्फा की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही तुम्हारी क्या होगी, पी वैल्यू होगी। सिंपल कॉन्सेप्ट में समटाइम्स हम अल्फा को 1% भी लेके चलते हैं, जैसे मेडिकल की टेस्टिंग के लिए
मेडिकल फील्ड में, मुझे लगा लैपटॉप है तो डर गया एक बार, गया ठीक है। मेडिकल फील्ड के लिए 5% बहुत ज़्यादा है ना, कि तुम 100 लोग को दवाइयाँ दो और 5 लोग की डेथ हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ तुम 100% लेके चलते हो, एक्यूरेसी 100% होना चाहिए, तो वहाँ पे जितना कम होगा एरर उतना अच्छा है। वहाँ पे जो तुम कहते हो ना कि भाई 10-20 लाख में कोई एक पर्सन की डेथ हो तो कैजुअलिटी ये होनी चाहिए, है ना। तो मतलब क्या हो गया, वहाँ पर पी वैल्यू तुम्हारी 0.001 कुछ इस तरीके का, कि मतलब ना के बराबर, 100% एक्यूरेसी चाहिए तुम्हें वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, होम्योपैथी को मेडिसिन नहीं मानते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में क्या है, एक्यूरेसी 95% से ज़्यादा नहीं आती है, 90% की आती है। अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ पे 10%, टेस्टिंग कभी पढ़ोगे ना मेडिकल का तो उसमें यही होता है कि भाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 1%, 5%, 10%, तो वेरी करता है। नहीं नहीं मरना नहीं है, मरना तो एडवर्स इफेक्ट हो गया, लेकिन बचा तो मेरा है वो इम्पोर्टेंट है ना भाई। तुम्हें मान लो अगर फ्रैक्चर हो गया तुम्हारा, तब वो उसके लिए तो तुम्हें एलोपैथी चाहिए ना तुरंत तुरंत, सिर से ब्लड आ रहा है, होम्योपैथी तुरंत क्या कर सकता है, ठीक है। कह रहा है ये कि कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटरमिनेशन आर स्क्वायर एंड रेशियो आर स्क्वायर विच कैन बी यूज्ड टू जज द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द मॉडल। टी टेस्ट टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्पॉन्स वेरिएबल एंड इंडिविजुअल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एट ए गिवन सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा और 1 - α%। 1 - α मतलब क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 5%, ठीक है। 1 - α क्या हो गया, 0.95, और 100 से मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या हो गया तुम्हारा वो 95%। तो 1 - α इसलिए 100% लिखा है वो, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल, एफ टेस्ट टू चेक द सिग्निफिकेंस ऑफ द ओवरऑल मॉडल एट ए गिवन सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा और 1 - α 100% कॉन्फिडेंस लेवल या कॉन्फिडेंस टेस्ट की बात करते हो तुम। टी क्या करता है वेरिएबल के लिए, एफ पूरा मॉडल टेस्टिंग की, ठीक है। कंडक्ट रेसिडुअल एनालिसिस टू चेक द वेदर द नॉर्मलिटी होमोसिडियासिटी अजम्पशन हैव बीन सेटिस्फाइड। ऑल्सो चेक फॉर एनी पैटर्न इन द रेसिडुअल प्लॉट टू चेक फॉर करेक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। X1 - X2 के बीच में कोई पर्टिकुलर पैटर्न या कोई सिस्टमेटिक वेरिएशन भी नहीं होना चाहिए, कि अंडर कंट्रोल होने के बाद भी अगर कोई सिस्टमेटिक वेरिएशन है तो भी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ मल्टीकोलिनिटी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन डिस्टेबलाइज रेगेशन मॉडल। हाँ, चेक फॉर ऑटो कोरिलेशन इन केस ऑफ टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा में क्या होता है कि Y1, Y2, Yn ये आपस में एसोसिएटेड होते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट देकर तुम्हें छोड़ेंगे, तभी टाइम है अभी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट टेस्ट आर कंडक्टेड बिफोर द मॉडल इज डिप्लॉयमेंट, छोड़ो। चलो आर स्क्वायर डिटेल में यहीं से आगे बढ़े, इसे पिक कर क्लिक करके रखो, नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब चल ही रहे ना, तो एक बार तुमको सीधे याद कराते हुए चलें फाइनली। अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो इस क्लास के बाद, आगे तो प्रोसीड करेंगे। टाइम सीरीज जो होता है तुम्हारा, टाइम सीरीज वैल्यूज, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट हैं बेसिक, है ना, 3 है, 3 से 4 बना लेते हैं कैसे। पहला कंपोनेंट तुम्हारा वाई टी डिपेंड करता है किस पे, वाई टी डिपेंडेंसी किस पे है, ट्रेंड पे, ठीक है। दूसरा तुम्हारा किस पे है, सीजनल और साइक्लिकल, मतलब दोनों इन कंप्लीट वे में पीरियोडिक, है ना। तो पीरियोडिक में हमने सीजनल और साइक्लिकल दोनों लिख लिया, ठीक है। और फिर थर्ड तुम्हारा क्या है, इररेगुलर या रैंडम कंपोनेंट, ठीक है। इससे तुम्हारा वाई टी बनता है, कोई एक वाई टू का कंपोनेंट है। वाई टी का तुम्हारा तुमने ग्राफ प्लॉट किया, दिस इज टाइम प्लॉट, दिस इज टाइम टी एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे वाई टी जो कि रिस्पॉन्स वेरिएबल तुम्हारा आ रहा है। अब ये वाई टी सिंगल नहीं है, वाई टी का जो नेचर है वो 3 तरीके से है सिस्टम में। पहला तो ये कि वाई टी इट्सेल्फ आगे मूव कर रहा है, तुमने उसका एरर चेक नहीं किया, ठीक है। वाई टी खुद आगे बढ़ रहा है, डिपेंड कर रहा है अपनी
प्रीवियस वैल्यूज पर, मतलब ये वैल्यूज कहाँ से, इस पर डिपेंड कर रही है प्रीवियस वाले पे। भाई आज तो स्टार्ट हुआ नहीं है ना ये, मान लो तुम चेक करते हो भाई वीट प्रोडक्शन, तो अचानक से नहीं स्टार्ट हुआ ना ये, यहाँ से बढ़ा धीमे धीमे प्रोडक्शन उसका बढ़ता चला जाएगा, कुछ इनिशियल वैल्यू होगी फिर वहाँ से वो आगे मूव करेगा। ठीक है, मार्केट मान लो तुम्हारा बीएससी एक्सचेंज तुम्हारा है वो, ठीक है, मार्केट तुम्हारा ओपन हुआ किसी पॉइंट पर, वहाँ से वो आगे बढ़ रहा है फिर घट रहा है स्टॉक एक्सचेंज में तुम्हारा, किसी पॉइंट पे वो स्टार्ट हुआ है वहाँ से मूव कर रहा है, उसमें जो एरर कंपोनेंट है तुम उसको मेजर नहीं करते हो। जब उसको ही मेजर करोगे तो चीज़ें क्या होंगी, और एक केस में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एरर होगा तो क्या होगा। तो उस बेसिस पर तुम्हारे पास जो इवोल्यूशन है YT का, हाउ टू इवॉल्व टाइम सीरीज YT, तो तीन तरीके से। पहला, सिर्फ और सिर्फ YT की वैल्यू, मतलब YT प्लस 1, YT प्लस 2, YT प्लस n, है ना, जहां तक जा रहा है, और आज की डेट का जो एरर कंपोनेंट है एप्साइलन टी, वो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है तुम्हारा, इसको तुम कहते हो ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस, AR प्रोसेस, ठीक है, और जितने प्रीवियस लैग पे डिपेंड करेगा उतने ऑर्डर का वो ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस हो गया। तुम जिसको कहते हो AR, मान लो ये P वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है प्रीवियस, तो ARP मॉडल हो गया, A से ऑटो, R से रिग्रेसिव। जो एप्साइलन की वैल्यूज तुम्हारे पास हैं एप्साइलन 1, क्यों, क्योंकि जब तुम्हारा मॉडल स्टार्ट हुआ तो एरर फर्स्ट टाइम कहीं पे अकर करेगा कुछ समय बाद, सेम टाइम पे नहीं होगा ना वो, कुछ समय बाद, ठीक है, टाइम टी के बाद। मान लो यहाँ से ग्राफ चला, अब ये देखो यहाँ से एरर आ गया ना, नीचे आ गया, मान लो इस तरीके से कह लो ये डिक्लाइन कर गया, तो हो सकता है कुछ एरर कंपोनेंट होंगे, तो कुछ टाइम टी के बाद, तो मान लो इसको तुम एरर ले लो, ठीक है, इस तरीके से जहाँ जहाँ ये आ रहा है टास्क नीचे, अब उनका कंपोनेंट अलग होगा, तो उनकी सीरीज क्या है, एप्सिलॉन टी की सीरीज चल रही है, तो उसको तुम कहते हो मूविंग एवरेज प्रोसेस, AR प्रोसेस और मूविंग एवरेज प्रोसेस, ये दोनों अलग अलग हो गई। मूविंग एवरेज में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा तुम्हारी सीरीज जो है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ जो वेरिएशन ड्यू टू एरर है। थर्ड तुम्हारा क्या होता है कि अब तुम एक साथ दोनों YT को भी और एरर को भी दोनों को साथ लेके चल रहे हो, तो वो तुम्हारा होता है, मान लो तुम्हारा एरर है Q ऑर्डर का और AR है P ऑर्डर का, तो जॉइंटली क्या होता है तुम्हारा, होता है वो ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज प्रोसेस विद ऑर्डर P एंड Q, ठीक है, तुम इसको कहते हो ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज प्रोसेस विद ऑर्डर P एंड Q, दिस इज अर्मा प्रोसेस, ठीक है। और कितनी वैल्यूज के बाद वो फिर वो स्टेबलाइज होगा, तो तुम उसके लिए यूज करते हो अरिमा मॉडल, ठीक है, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज अरिमा, और उसमें इंटीग्रेशन किसने टर्म पे होता है डिफरेंसिबिलिटी, उसको तुम डिनोट करते हो D से, स्मॉल D से, तो वो तुम्हारा जो प्रोसेस होता है, जो मेन जनरलाइज प्रोसेस तुम्हारा जो होता है वो होता है अरिमा P, D and Q, दिस इज। इसी बेसिस पे अगर तुम D और Q को जीरो कर दोगे तो ARP मॉडल बचेगा तुम्हारा, ठीक है, तुम D को जीरो कर दोगे तो अर्मा बचेगा, तुम PD दोनों जीरो कर दोगे तो MA बचेगा, इस तरीके से दिस इज द अरिमा, ठीक है। फिर उसमें तुम यूज़ करते हो, उसमें भी सेम चीज टाइम के साथ साथ भी कि एरर कंपोनेंट तुम्हारा होमोजीनियस वे में है कि हेट्रोजीनियस वे में है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हेट्रोसिसिटी होती है, गार्क मॉडल, आर्च मॉडल, ठीक है, इस तरीके से सब चीज़ें, ठीक है, क्लोज कराओ, उनको बुलाओ दो, बोल करना बेचते हैं।